हेलो, गुड आफ्टरनून. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल टू एवरीवन? आई रिपीट, एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल टू एवरीवन? ओके ओके ओके. हेलो हेलो हेलो, परफेक्ट. ठीक है, हाउ इज एवरीवन डूइंग? ऑल फाइन? ऑल परफेक्टली फाइन? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ओके, आई कैन सी आदि हियर, आई कैन सी अनुष्का हियर, नम्रता हियर, स्वीटी इज हियर. परफेक्ट. ठीक है, ओके ठीक है. चलो, हाउ इज एवरीवन डूइंग? गुड नून बेटा, गुड नून राखी. ओके, विकासिनी इज ऑल्सो हियर. गुड आफ्टरनून विकासिनी. साची, हाउ आर यू? अरे बाप रे. ठीक है, चलो एवरीवन एवरीवन. हाँ जी, ठीक है, चलो कोई नहीं. अरे देखो, सादर प्रणाम सादर प्रणाम. मानसी, गुड आफ्टरनून मानसी. कौन सा है टॉपिक आज? आज हमारा बेटा प्लांट किंगडम खत्म हो रहा है. ठीक है, सो आई कैन से द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम इज जनरली जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल एंड टेरेडोफाइट का लाइफ साइकिल, दैट वी विल कंप्लीट टुडे. ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म, टेरेडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, ये हमारा टॉपिक रहेगा. यस यस यस. आई हैड माई लंच. एवरी वन, डिड यू ऑल हैड योर लंच? यस और नो? एकदम फुल एनर्जी के साथ आए कि नहीं? देखो, PK2 आ रहा है आज तो, मतलब प्लांट किंगडम पार्ट टू. ठीक है, आयुष कुमार मैं सुन रही हूँ बेटा, आप बताइए क्या हो रहा है. अब्दुल इज हियर, मानसी इज हियर. अच्छा, पीडब्ल्यू मोटिवेशन भी आ गए, क्या बात है. पीडब्ल्यू वाले भी हमारे पास आ रहे हैं. अरे रुद्र, गुड आफ्टरनून रुद्र. दीपक, श्रुति, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट. श्रीशा, गुड आफ्टरनून बच्चा. हाय हाय रिया. ठीक है, आई एम ऑल गुड बच्चा, थैंक यू फॉर आस्किंग. देखो बाकी सब लोग कैसे, एकदम बिंदास. हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर बेटा हमारे चेंज हो गए, क्या ही करेंगे. हाँ जी, हमने थाना थाया, आपने थाना थाया कि नहीं थाया? ठीक है, चलो. आई होप एवरीवन इज प्रिपेयरिंग परफेक्टली वेल, है ना. एस मिश्रा जी, कैसे हो आप? चलो स्टार्ट कर लेते. ठीक है, होमो सेपियंस, हाय. ओके सौरभ, हैप्पी बर्थडे टू यू. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से. एवरीवन, नो नो, यू आर नॉट लेट मोहम्मद शोएब. ठीक है, चलो. संजना, गुड आफ्टरनून. अरे ज्योत्सना सिंह, कैसे हो? एकदम विदांत दिल से. ठीक है, हाँ थाया थाया. देखो राखी ने एटलीस्ट आंसर दिया कि हाँ थाया. ठीक है, चलो. नाउ कमिंग बैक, नाउ कमिंग बैक. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू रिमेम्बर हियर? तो हमने बोला, अच्छा, साक्षी, साक्षी मिश्रा. ठीक है, साक्षी अब याद रखूंगी मैं. ओके, हमजा इज ऑल्सो हियर. हमजा, गुड आफ्टरनून. ठीक है, अरे विशु, विशु, गुड आफ्टरनून विशु. ठीक है, इसके बाद मॉर्फो होगा. यस 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 यस, इसके बाद मॉर्फो होगा. एंड यस, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि कल जबरदस्त लेक्चर है, इतना तो मैं आपको बता ही सकती हूँ. ठीक है, सो कल का लेक्चर नो वन इज गोइंग टू मिस, एब्सोल्युटली नो वन. अगर आप मिस कर रहे हो तो बेटा बहुत कुछ मिस करोगे. ठीक है, ठीक है, आपका फोन गुस्से में. ओके ओके ठीक है, चलो. एवरी वन, लेट अस स्टार्ट लेट अस स्टार्ट. ठीक है, तो जिन जिन ने खाना खाया है भाई, खाने में जितना खाया है ना, वो सारा एनर्जी आज निकाल दो लेक्चर में, लिखने में, रिवाइज करने में, पढ़ने में, हर चीज में. और जिन्होंने खाना नहीं खाया बेटा, खाना खाने की आस तो रख लो. ठीक है, चलो उसी के साथ लेट्स स्टार्ट. हिंदी मीडियम के साथ वी आर स्टार्टिंग. अरे रुको 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 रुको, क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं. तुम्हारा चैट तो पॉप आउट किया ही नहीं, फिर कैसे बात करेंगे तुमसे. चलो इसी के साथ लेट अस स्टार्ट लेट अस स्टार्ट. एवरीवन, लेट मी स्टार्ट विथ ऑलरेडी ईटिंग. देखो आदि मेरे लेक्चर में खाना खाता है. ठीक है, ओके. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून. सो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. एंड इसी के साथ
स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और रोज ऐसे ही इसी टाइम पे दोपहर को 2 बजे मुझे मिलते रहना, ठीक है? बिकॉज आपको मिलने की ना अलग खुशी होती है. अच्छा, अब 35 डेज का क्रैश कोर्स हमने फ्री में शुरू किया है ऑन यूट्यूब, ठीक है? और इसका आज है दिन 5. पांचवा दिन है और हम है तीसरे चैप्टर पर. वी हैव कंप्लीटेड लिविंग वर्ल्ड, वी हैव कंप्लीटेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आज हमारा प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा. सी, मेरे पास 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर्स है टू कंप्लीट, एंड डोंट वरी, आई विल कंप्लीट इट विद एंटायर पार्ट. मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई ये स्किप हो गया, नहीं होगा, दैट मच आई कैन टेल यू, ठीक है? चलो, अब जिन्होंने अब तक के मेरे 4 सेशन जो हुए हैं क्रैश कोर्स के वो अटेंड किए होंगे, उन्होंने देखा होगा नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट आई हैव मिस्ड और स्किप्ड. द रीजन इज बिकॉज क्रैश कोर्स है भाई, पूरा पढ़ लो, नीट नजदीक है, काम आ जाएगा. अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है वो कब ऐलान करेंगे नीट का, वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन वेदांतु आपके लिए लेके आ रहा है पेड क्रैश कोर्स ऑन इट्स ओन प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज फॉर नीट 2021 बैच, जिसमें आपके 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है? फीस फॉर दैट इज 10,000 रुपीज, बट अगर आप कूपन कोड यूज करते हो BMCC तो आपको मिलेगा 40% डिस्काउंट एंड आपकी फीस हो जाएगी 6,000 रुपीज, ठीक है? आई रिपीट, आपकी फीस फिलहाल है 10,000, बट अगर आप कूपन कोड यूज कर रहे हो BMCC तो आपकी फीस हो जाएगी 6,000 रुपीज, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है? मैं बता दूंगी आपको एंड में कैसे आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए क्रैश कोर्स का ओवरव्यू देख लो. टोटल आपको 120 सेशंस दिए जाएंगे, ठीक है? और 120 चैप्टर्स होते हैं अंदाजे से आपके, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर को एक एक लेक्चर दिया जाएगा. 8 AM टू 11 PM का आपका अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होगा, तो चाहिए उतने MCQ सॉल्व कर लो और चाहिए उतने डाउट्स पूछ लो. डाउट एक्सपर्ट्स को आप लिटरली लिख के डाउट पूछ सकते हो, आप फोटो क्लिक करके डाउट पूछ सकते हो, और जब तक आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तब तक आप डाउट्स पूछ सकते हो, सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको मिल रहा है 10 फुल टेस्ट एंड 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट. वो बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई हमको क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ टेस्ट सीरीज की जरूरत है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो. टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. टेस्ट सीरीज की फीस जाती है 2,500, बट इफ यू अप्लाई द कूपन कोड BMCC तो डेफिनेटली आपको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स सिखाए जाएंगे ताकि आप नीट के मेन कॉन्सेप्ट्स को इजीली याद रख पाओ. एंड यस, इट विल ऑलवेज बी अ 2-वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, सिंपल. चलो, इसी के साथ एवरीवन, लेट अस स्टार्ट. एवरीवन इज हियर, यस, सब लोग यहां पर है, एब्सोल्युटली यस. चलो, लेट मी स्टार्ट विद दिस. ओके, परफेक्ट. चलो, लेट्स स्टार्ट, ठीक है? तो हमने बोल दिया, अरे एकदम मजा में दीपाली, तमे केम छो? ठीक है, ओके. विन्नी, गुड आफ्टरनून विन्नी, ये क्या हो गया? ठीक है, अरे सार्थक ने फिर आईडी चेंज कर दी. ओके, रुद्र ने बोल दिया प्रेजेंट मैम. ठीक है, जिन्होंने प्रेजेंट प्रेजेंट बोला है उन सब ने, अच्छा, त्रिशला इज अनुष्का आई गेस, है ना? हाँ, सार्थक गया नाम बदलने. ओके, ठीक है, सब ने लाइक किया कि नहीं किया वीडियो? अरे हु पण मजा मत देखो. चलो, लेट स्टार्ट विद दिस, एकदम तूफानी करते. ठीक है, चलो, तो हमने बोल दिया भाई लेट स्टार्ट विद दिस. नीट का फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगा ये? अरे बाप रे, क्या हो गया? अच्छा, ये रिजल्ट्स थे इसलिए शॉक हो गई मैं. तो हमने बोल दिया ये हमारे नीट के रिजल्ट्स है. ओके, एंड नीट रिजल्ट्स आप सबको दिख रहा है, 2020 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं हमारे. और इसी के साथ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी, एंड यस, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है? बचा लो किसी के साथ, कोविड काल है, महामारी का जमाना है भाई, सेफ रहो. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना, बिकॉज यू आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. नाउ, ये है हमारा आज का स्केड्यूल, और हम पहुंचे हैं यहाँ पर दोपहर के दो बजे, और क्या पढ़ने वाले हम? पीके पार्ट टू, दैट इज प्लांट किंगडम पार्ट टू. सो एवरीवन, प्लांट किंगडम पार्ट टू शुरू करने से पहले कल का हमारा जो क्विज था, जो हमने स्किप किया था, वो शुरू करें कि नहीं करें? कल का हमारा जो टॉपिक था उसका क्विज स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, बताओ जल्दी बताओ.
ठीक है, ओके ठीक है। ओके, व्हाई डिड नॉट वी हैव विनय सर फॉर क्लास 11? संजीवनी जी बेटा, क्लास 11 के लिए विनय सर है बच्चा, उड़ान बैच का आज ही उनका लेक्चर हुआ है, दैट इज फॉर क्लास 11 2023, है ना? चलो स्टार्ट कर ले, परफेक्ट। ओके, वी विल हैव 10 एमसीक्यूज जो कल के हमारे बचे थे वो, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू, इट्स नॉट मिंटी बच्चा, इट्स नॉर्मल क्विज, ठीक है? बापरे मैं इतना सुंदर हूं क्या करूं, ठीक है? चलो एवरीवन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखो पहला पहला सवाल है, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, किस में मिलेगा आपको थैलॉइड प्लांट बॉडी? जल्दी जल्दी आंसर दे दो, मैं सुन रही हूं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, सबने आंसर दे दिया, सी 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 सी, ओके ठीक है, लेट मी सी इफ द आंसर इज सी और नो, एंड व्हाट डू आई सी, द आंसर इज सी, परफेक्टली करेक्ट, मर्कैंटिया इज द करेक्ट आंसर, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन मर्कैंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कितना घूमोगे, हम घूम रहे इधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच पे, इसमें से कौन सा है जो गलत है, विच वन इज रॉन्गली? मोहम्मद शोएब जी, हमने बेटा प्लांट किंगडम शुरू से करवाया था, पहला हाफ हमारा कल ही खत्म हुआ है, आप चाहिए तो उसका रिप्ले देख लो बच्चा, ठीक है, और आज हम सेकेंड हाफ खत्म कर रहे हैं, ओके परफेक्ट। यहां पर आंसर मुझे ए लग रहा है, गुड आफ्टरनून प्रिया, ओके। देवांशु श्रीवास्तव जी, हाँ याद है, ओके, ए ए ए ए ए, अरे ए आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है, क्या करूं? विच वन इज रॉन्गली मैच्ड एंड द आंसर इज स्पायरोगायरा ए, मोटाइल गैमेट्स नहीं होते, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते। अच्छा किसी को तो है ना यहाँ पर डाउट था, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। सी फैगनम, ये होता है मॉस जिसमें लीफी बॉडी दिखेगा, ओके। सेल्विनिया, साल्विनिया इज अगेन अ मॉस विच विल शो यू अगेन लीफी बॉडी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, साल्विनिया इज अ टेरिडोफाइट, माई मिस्टेक, टेरिडोफाइट, इसमें तो लिटरली रूट स्टेम लीफ वाला पूरा पूरा ट्रू बॉडी दिखेगा, सो भाई इसमें लीफी बॉडी नहीं दिखने वाला, इसमें आपको जो दिखेगा दैट इज अ ट्रू प्लांट बॉडी, ठीक है। फ्यूनेरिया इज अगेन अ मॉस, इसमें आपको लीफी बॉडी दिखेगा, सो थैलॉइड किस में बचता है, थैलॉइड इज जनरली सीन इन केस ऑफ एल्गे एंड ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट्स, अब मर्कैंटिया जो रहेगा दैट्स अ लिवरवर्ट, सो आंसर इज लिवरवर्ट, ये क्लियर सिंपल, तो जिनको डाउट था उनके लिए ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब कमिंग नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, एंड वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया आपके सामने, इट सेज दैट सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये चार ऑप्शन में से, मॉसेस, एल्गे, फर्न एंड फंगाई में से, जिसमें सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, बफरिंग, एनीबडी कैन बिकम डॉक्टर, पिक ऑफ द डे, हाँ जी ठीक है, ओके ठीक है, आंसर हमारे पास आ रहा है, अरे बापरे ये क्या हो रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शंस नहीं देखे मैं बता दूं, ऑप्शन इज मॉसेस, एल्गे, फर्न एंड फंगाई, इसमें से कौन है जिसमें सिनगैमी विल अकर आउटसाइड द बॉडी, ओके ठीक है परफेक्ट। चलो मेजॉरिटी आंसर्स पे हम चले जाते हैं, आंसर आ रहा है बी, रीजन मॉसिस में ऊगैमी होगा सो फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर, फॉर्न में भी ऊगैमी होगा, और फंगाई, फंगाई में आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमी तीनों हो सकता है, ठीक है। बट फंगाई के केस में यू विल ऑलवेज फाइंड दैट प्लाज्मोगैमी होने की वजह से जनरली वो बॉडी के साथ साथ ही होगा,
बचा क्या? एल्गे, क्योंकि एल्गे के गैमेट्स मोटाइल होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों, तो इनमें सिंगामी बॉडी के बाहर होने का चांसेस है. क्लियर? बट रिमेम्बर, रेड एल्गे में नहीं होगा. रेड एल्गे जो रहेगा ना, रेड एल्गे, इसमें होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन विल अकर इन केस ऑफ रेड एल्गे. बाकी सारे एल्गे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है. परफेक्ट. चलो, अरे बाप रे, ये क्या है? ये रसमलाई कौन है? बाप रे, ठीक है, चलो जो भी है. इसी के साथ, बाप रे, डैनियल का लैपटॉप इज नॉट वेल. डैनियल, व्हाट हैपेंड टू योर लैपटॉप? वायरल फीवर? वायरल फीवर नहीं ना. ठीक है, अच्छा, आज के फिजिक्स के लेक्चर विजिबल नहीं है. ठीक है, मैं देखती हूँ संजीवनी जी. आई विल चेक. मे बी शायद वो इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ रहेगा और कुछ नहीं बचा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन. कहाँ मिलेगा आपको आइसोगैमस कंडीशन? नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट मतलब गैमेट नॉन मोटाइल है. नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल है, लेकिन फिर भी आइसोगैमस है. सोचो. हाँ, किसी ने अपना नाम रखा है रसमलाई. मैं क्या करूं? तुम्हारा नाम नाम और मेरा नाम कुछ नहीं. ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम मैं भी नाम चेंज करूंगी. भूमिका मेहता के बदले कुछ और अच्छा रखूंगी. जैसे किसने मेरे को बोला था, आपका आवाज ना शहनाज गिल जैसा है, तो मैं ऐसा कुछ रख दूंगी अपना नाम. चलो मैं भी फेमस हो जाऊं. अरे वाह, क्या बात है, आंसर आ गया. डी 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 डी. ओके, गुड आफ्टरनून रितिक. डी फॉर डॉन. ठीक है, चलो मैं पढ़ाऊं. ठीक है, तो मैं पढ़ा लेती हूँ. ओके, मैं पढ़ा रही हूँ. एंड द आंसर इज डी, स्पायरोगायरा. आइसोगैमस नॉन मोटाइल सीन इन केस ऑफ स्पायरोगायरा. बाकियों का भी मैं फटाफट बता देती हूँ आपको. ठीक है, चल, वॉलवॉक्स विल शो यू ओगैमस कंडीशन. फ्यूकस विल ऑल्सो शो यू ओगैमस कंडीशन. क्लेमाइडोमोनास में मोटाइल आइसोगैमी होता है, मोटाइल आइसोगैमी. ठीक है, चलो इसी के साथ एवरीवन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन. देखो, रसमलाई ने बोला है मैं टेस्टी हूं. पहले बोला इतना सुंदर हो, अब बोल रहा है टेस्टी है. भाई क्या ही करे अभी. एवरीवन आंसर फास्ट. व्हाट शुड बी द आंसर? ठीक है, ऋतिक सिंह बोलते हैं मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं, फिर काहे आए हो. ओके, ठीक है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ बेटा? वही पढ़ा रही हूँ जो तुमको नहीं आता है. डी फॉर दिवू. ठीक है, आंसर देखते क्या है. मेजॉरिटी आंसर्स कम्स एज डी एंड द आंसर इज डी. ये बहुत इजी था यार, ऐसा कौन पूछता है नीट में? इतना इजी कौन पूछता है? थोड़ा तो नीट का लेवल रखा करो. नीट वाले भी कुछ भी करते यार, इतना इजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीट? फैग्नम यार, फैग्नम मॉस इज नोन एज पीट मॉस. मेरे बच्चे बच्चे को पता है, देखो. चलो कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट. ये देखो, 2013 का सवाल और 2014 का सवाल, ये कितना सिंपल है और कितना सेम है. देखो, बताओ अभी आंसर क्या आएगा. और रसमलाई, बस हो गया. आंसर इज डी. ए ए डी डी ए ए डी. क्या पता क्या कर रहे. ए फॉर एप्पल. ठीक है, ए को मारो भैया. ए, इधर आओ, तुमको मारती हूँ मैं. आ जाओ, इधर आओ. थोड़ा सा मारूंगी, ज्यादा नहीं मारूंगी. चलो कोई नहीं, ये मार खाने के लिए आ नहीं रहे, तो हमने ए कर दिया. ए स्पायरोगायरा. नेक्स्ट, फिर यही से हम आ गए. और क्वेश्चन नंबर 7. एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग इज. इसमें से कौन सा एल्गे लगता है आपको जो हम खाने के लिए दे सकते हैं भाई ह्यूमन बींग को? इंसान खाएगा इसको. पॉलिसिफोनिया, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पायरोगायरा. सोचो भैया, सोचो. हिंदी में बोलू क्वेश्चन? अच्छा, हिंदी में बताती हूँ. ये हिंदी तो था बेटा. इसमें से कौन सा एल्गा है जो इंसान खाएगा? अरे अभी एल्गे को क्या काई बोलू, इसमें से कौन सी काई है जो ह्यूमन बींग खाएगा या इंसान खाएगा? अभी इससे ज्यादा हिंदी हमसे ना हो पाए बच्चा. चलो एवरीवन, सी
सी सी सी फॉर कैट वुमन, बाप रे। ठीक है, सो आंसर इज सी, क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला इज द करेक्ट आंसर। रेला रेला क्लोरेला। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मेल गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड इन, मेल गैमेट किसमें फ्लैजेलेटेड होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? अरे बाप रे, इसका भी आंसर सी। सी क्या? सी, व्हाट टू सी? देखो, ओके, सी है, बी है, ए है, पता नहीं क्या लिख रहे। मेल गैमेट आर फ्लैजेलेटेड इन, किसमें आपको मेल गैमेट्स फ्लैजेलेटेड मिलेंगे? एक्टोकार्पस, स्पाइरोगायरा, पॉलिसिफोनिया, एनाबेनो। सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो, अच्छे से सोचो। ओके, नाउ पीपल आर आंसरिंग इट एज ए, ए आई थिंक। डैनियल सेज ए, ओके, अरविंद थोराट सेज सी, रिया सेज ए, फनी टीवी सेज ए। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? नहीं, फनी टीवी ने तो सी बोल दिया। ठीक है, बहुत से लोगों को ए लग रहा है, बेटा ए लग रहा है, लेकिन ए सही है। रीजन रीजन तो सुनो, स्पाइरोगायरा में नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, मोटाइल नहीं होंगे तो फ्लैजिलेटेड भी नहीं होंगे। पॉलीसिफोनिया इज रेड एल्गे, रेड एल्गे जो होते हैं ये बेचारे नॉन मोटाइल गैमेट्स रखते हैं, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एनाबेना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मेल गैमेट्स नहीं बनाते क्योंकि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये क्लियर, सिंपल। चलो, इसी के साथ एवरीवन वी कम नेक्स्ट आंसर इज ब्राउन एल्गे। यस, एब्सोल्युटली। चलो, परफेक्ट। यस शोएब जी, यू आर एब्सोल्युटली डिकेबल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओके, आई रिपीट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ठीक है, क्लियर, ओके। आई रिपीट, यू हैव टू सिलेक्ट अ रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना यूज एज स्पेस फूड, मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसिए, एल्जिन एंड केराजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गे, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलिडियम। ओके, बी, पक्का वाला बी? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अमित ने बोला बी को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, बी फॉर बैटमैन, ओके। ठीक है, तो आंसर इज बी, मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसिए। चलो, इसका करेक्ट स्टेटमेंट ना आप ही बताओ। बी इज, अच्छा, बी फॉर मूविंग ऑन, थैंक यू, ओके। मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन, क्या आना चाहिए? मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन, बताओ बताओ। ब्राउन एल्गे, करेक्ट। ये क्या नाम है, लैम्बोली ओली? अरे, लंबोर्गिनी रख लेते, मैं बोल लेती अच्छे से। ठीक है, कोई नहीं, ओके ओके, परफेक्ट। द आंसर इज ब्राउन एल्गे, एंड अगर रेड एल्गे रखना होता देन आई वुड राइट इट एज फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्राउन एल्गे विल हैव या फियोफाइसिए विल हैव मैनिटॉल, एंड अगर रेड एल्गे होता। सोनम पाल, गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है। ठीक है, शुगर अल्कोहल, करेक्ट विनीता, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड रेड एल्गे के लिए क्या होता, रोडोफाइसिए के लिए क्या होता, फ्लोरिडियन स्टार्च, करेक्ट अंकिता, एब्सोल्यूटली करेक्ट। अरे, रस मलाई ने यह बोला, चलो रस मलाई के साथ हम खुश है। ओके, गुड आफ्टरनून देवी प्रसाद, थोड़ा लेट हो गए आप, लेकिन आप घर पर है तो ये सुनकर हमको अच्छा लगा। स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। चलो, गुड आफ्टरनून वैष्णवी, वैष्णवी नायर इज ऑल्सो योर, ठीक है, पक्का, परफेक्ट। फाइको एरिथ्रिन इन रेड एल्गे, करेक्ट है शोएब जी, लेकिन वो पिगमेंट होता है, हम फूड की बात कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, चलो, एवरी वन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, इसमें से कौन सा एल्गे जो कॉलोनीज बनाएगा? भाई, 2017 का सवाल है, 17 में खतरा होना चाहिए था, आपने इतना इजी पूछ लिया, बच्चे फिर टॉप नहीं करेंगे क्या? ठीक है, चलो, ये तो इजी है, ये तो हमने कल ही पढ़ा था और ये आना भी चाहिए। अब बाकी सब लोग मेरे को ऐसा बुला रहे, ए ए ए ए ए ए, तो मेरे को दिख रहा है सबने ए ए ए ए ए कर रखा है। एंड आंसर इज वॉलवॉक्स, आंसर इज वॉलवॉक्स, परफेक्ट। ए फॉर एप्पल, ओके, ए फॉर एप्पल विच इज अ फॉल्स फ्रूट। ठीक है,
ठीक है, तो एवरीवन आंसर किसे बोल रहे हो? बेटा आप ही लोगों से बात करूंगी और क्या करूंगी, घर पे रहके रहके ना बेटा अकेले अकेले बात किसी से नहीं होती है, तो ऐसा सदमा हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया मेरे को तो। ठीक है, सो एवरीवन, सो मैं जितना होता ना उतना बच्चों से बात कर लेती हूँ भाई, कम से कम कुछ तो बात कर लूँ, किसी से तो बात कर लूँ। रुद्र ने बोला ड्रूप, नहीं, ड्रूप फ्रूट नहीं होता है एप्पल, एप्पल इज अ टाइप ऑफ पोम बेटा, POME, हमारे घर आ जाओ बोलती है। ठीक है, तो आंसर इज ए फॉर वॉल वॉक्स। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज आज का हमारा सेशन टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स की हरी भरी दुनिया में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है इन टेरिडोफाइट्स। सो एवरीवन, सी आई कैन अंडरस्टैंड, ये लॉकडाउन में ना जैसे मैं, ऐसा हो रहा है कि भाई फ्रेंड्स को मिलने नहीं जा सकती हूँ, अपने कलीग से ज्यादा मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, स्टाफ रूम के गप्पे मिस कर रही हूँ, वो बच्चों के साथ मस्ती मिस कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ, है ना। तो मैं सोच रही हूँ भाई तुम भी तो ऐसा ही करते होंगे, तुम्हारे साथ भी कोई नहीं होता है बात करने, मतलब हाँ घर पे भाई बहन होते हैं बट कितना बात करोगे यार, 1.5 साल से बात ही तो कर रहे हैं इनके साथ। ठीक है, चलो इसी के साथ लेट्स कम बैक टू व्हाट एग्जैक्टली इज टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट में हमको क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा डैडी मीम आ चुके हैं, डैडी मीम ने बोला है स्वागत नहीं करोगे हमारा, भैया तुम सलमान खान हो जो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, देखो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, स्वागत कर लिया आपका डैडी मीम। ठीक है, चलो नाउ कमिंग बैक। अच्छा इसमें मैं थोड़ी सी कहाँ हो जाऊँ भाई, ठीक है मेरे सर पे ही सही, लेकिन आपको हरियाली पत्ता दिखेगा एक, यहाँ यहाँ एग्जैक्टली मेरे सर पे आपको ऐसा पत्ता दिखेगा, मैं मोर पंखी के नीचे बैठी हूँ। देखो इफ यू लुक फॉरवर्ड टू द लीफ, अच्छे से प्यार से देखो आपको दिखेगा कि ये जो पत्ता होता है ना, ये जो लीफ है ना आपका, ये दिखेगा वो फेदर की तरह, जैसे बर्ड्स के फेदर होते ना उसकी तरह। तो फेदर को बोला जाता है टेरॉन, प्लांट को बोला जाता है फाइटॉन, इसलिए हमने इसको बोल दिया टेरिडोफाइट, और इनकी पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे, टेरिडोलॉजी। क्लियर, व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज टेरिडोलॉजी, सिंपल क्लियर। नेक्स्ट फिर हमने बोला कि इफ आई कंसिडर टेरिडोफाइट्स तो वॉट डू वी सी, तो हमने बोला टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट प्लांट जिसको रूट स्टेम एंड लीफ ओरिजिनल था। सी एल्गे विल हैव नो रूट नो स्टेम नो लीफ, ब्रायोफाइट विल हैव रूट लाइक राइजॉइड, स्टेम लाइक फाइलॉइड एंड लीफ लाइक कोलॉइड, सॉरी स्टेम लाइक कोलॉइड एंड लीफ लाइक फाइलॉइड। बट जब टेरिडोफाइट की बात है, मतलब इमेजिन कर लो एवोल्यूशन हो रहा है, और एवोल्यूशन में एल्गे से ब्रायोफाइट आया, फिर भगवान ने सोचा कब तक ये चिंटू चिंटू प्लांट से हम जिंदा रहेंगे, और भगवान ने क्या बना दिया, टेरिडोफाइट, ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स वाले पहले पहले प्लांट। सो टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट पहला ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट होने के साथ साथ ये पहला प्लांट था जिसमें हमको जाइलम और फ्लोयम, आई मीन फ्लोयम मिला। सो जाइलम के नाम पे इट विल हैव अ सेल नोन एज ट्रकीड, एंड फ्लोयम के नाम पे इट विल हैव अ सेल नोन एज सीव सेल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, याद रखोगे टेरिडोफाइट के जाइलम में केवल एक ही टाइप के सेल मिलते हैं ट्रकीड, और फ्लोयम में केवल एक ही टाइप का सेल मिलता है इन्होंने सीव सेल। सीव ट्यूब बोला तो गलत होगा, कंपेनियन सेल बोला गलत होगा, जाइलम वेसल बोला गलत होगा, केवल जाइलम ट्रकीड एंड फ्लोयम के नाम पे सीव सेल। इतना क्लियर है सबको, परफेक्ट। अब विनीता इतना बोल रही है तो हम लिख देते भाई कि चलो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वो ये है दैट दे आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इनको हमने बोला भाई तुम छिपकली और डायनासोर से कम थोड़ी ना हो। अच्छा इसका एक और कोरिलेशन बताती हूँ, जो जिन लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड वाला, जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए ना उसी टाइम पे बड़े बड़े पेड़ जैसे ट्री लाइक टेरिडोफाइट्स भी एक्सटिंक्ट हुए। ये हमको एक क्लियर कट आइडिया दे रहा है कि जब प्लांट में रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो रहे थे, सॉरी एक्सटिंक्ट हो रहे थे, उसी टाइम एनिमल्स में भी रेप्टाइल का एक बहुत बड़ा ग्रुप डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुआ था।
ठीक है, चलो कमिंग नेक्स्ट. अब बहुत हो गया हमारा एवोल्यूशन, हम आ जाते हैं टू द पॉइंट. क्योंकि इसमें जाइलम है, क्योंकि इसमें फ्लोएम है, मतलब इसके पास क्या था, वैस्क्यूलर टिश्यू, और इसीलिए हमने इसको बोला ये इकलौता वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम है. देखो क्रिप्टोगैम में आएगा एल्गी, लेकिन उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता. ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में मॉसेस में कंडक्टिंग स्ट्रैंड था, जाइलम फ्लोएम तो नहीं था. टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट प्लांट जिसमें जाइलम फ्लोएम था, वो भी इकलौता क्रिप्टोगैम जिसमें जाइलम फ्लोएम है, इट्स अ वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम. ठीक है, नेक्स्ट. फिर हमने बोला लेकिन इसके पास कुछ था जो नहीं था, क्या नहीं था, केम्बियम. ओके, तो आ नहीं पासे तो केम्बियम हतूज नहीं, केम्बियम था ही नहीं, केम्बियम वॉज एबसेंट. अब जब इसके पास केम्बियम एबसेंट था तो हम क्या बोलेंगे, हमने बोला यन्ना इसका तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा ही नहीं, मतलब नो सेकेंडरी ग्रोथ. ये ट्री फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, ये बार्क फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, इसका स्टेम और रूट ऐसा डायमीटर में इंक्रीज नहीं होगा. ये क्लियर सबको? ठीक है, ट्रू लोब वाले प्लांट. ठीक है, ओके एवरीवन, इतना क्लियर? ठीक है, अच्छा प्रिया ने बोल दिया प्रिया इज एब्सेंट. प्रिया आप एब्सेंट हो, आपने वीडियो लाइक किया कि नहीं किया पहले ये बताओ. जी ठीक है, चलो नाउ विद दिस लेट अस स्टार्ट टू द नेक्स्ट पार्ट. एंड व्हाट इज इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से याद रखोगे, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है, जो मैं एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बता रही हूँ इसको आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लिया करो, या फिर अगर एनसीईआरटी में ये नहीं मिलता है तो आप इसको कहीं स्टार मार्क करके लिख लिया करो. ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट, फिर हमने बोला नेक्स्ट क्या आएगा, ये क्या है, ये टेरिडोफाइट है, दिस इज टेरिडोफाइट. और ये इतना खूबसूरत इमेज है, मतलब आज ना मेरे को प्रेजेंटेशन देख के उषा मैम पे बहुत प्यार आ गया कि मैम ये क्या कर दिया आपने, प्लांट किंगडम जो नॉर्मली बच्चे बोलते हैं बोरिंग होता है, उस प्लांट किंगडम जैसे पीके को आपने इतना हसीदार और खूबसूरत बना रखा है. मतलब मुझे पता है क्योंकि मुझे बॉटनी से प्यार है, मुझे तो नेचर पसंद है, बट बच्चों को भी ये देख के बड़ा पसंद आएगा. ठीक है, तो अब चलो हमने क्या बोला, देखो ये जो लीफ होते ये होते पिन्नेटली कंपाउंड लीफ. अब जिन्होंने मॉर्फो नहीं पढ़ा है और जिनको नहीं पता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, उनके लिए सी नॉर्मल लीफ ना ऐसा होता है, दिस इज नोन एज सिंपल लीफ, इसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ. अब अगर ये लीफ, ठीक है अजय बेटा तुम्हारा मिड्रिप भी तो हम बड़ा कर दे, ये जो था ये था मिड्रिप. ठीक है, अब ये मिड्रिप पे ये जो लीफ था ये ऐसा डिवाइड हो चुका है इंटू स्मॉल स्मॉल लीफलेट, कुछ इस तरीके से कि आपको दोनों भी बाजू दिख जाएगा. ये सिंपल क्लियर, ठीक है. तो हमने बोल दिया भाई इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये तो पिटियोल था जैसा लीफ में नॉर्मली होता है, और ये जो मिडरिप था ये तो मॉडिफाई हो गया, तो इस मॉडिफाई होने वाले मिडरिप को हम क्या बोलेंगे, नया नाम रैचेस. स्ट्रक्चर वही, नाम नया, स्ट्रक्चर तो वही है मिड्रिप वाला लेकिन नाम नया रैचेस. और रैचेस के दोनों भी बाजू कान की तरह दिखने वाले, ये जो हमारे कान होते ना उसकी तरह दिखने वाले, मतलब हमारे कान की तरह दिखने वाले जो होते इसको हम बोलते हैं पिन्ना. ये पिन्ना थे, पिन्ना 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 पिन्ना. ठीक है, सो एक पिन्ना इधर, एक पिन्ना इधर, एक पिन्ना इधर, एक पिन्ना इधर, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ. सिंपल क्लियर, आई रिपीट, जिन्होंने मॉर्फो नहीं पढ़ा उनको भी, उनको भी ये समझा. मोहित जी हाँ जी, हमारा टाइम चेंज हो गया है, हम अब 2:30 बजे के बदले 2 बजे आएंगे, 2 बजे. ठीक है, अरे थलथलवा नवलवा ये क्या नाम लिख रहे हो आप. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको, ये सोनो. आर्या कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम बच्चा. ठीक है, साउंड वेव नहीं कलेक्ट करेगा बच्चा, साउंड वेव नहीं, लाइट कलेक्ट करेगा, लाइट लाइट, वो लाइट वा को बुलाएगा. क्लियर छे, परफेक्ट, ओके. गुर्जर साहब ने पूछा आप सभी बिहारी हो, जी नहीं हम सभी हिंदुस्तानी है. ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून विकी, हाउ आर यू. ये विकी के नाम पे वो अर्चना तो नहीं है ना. जी ठीक है, चलो
यस यस विनीता, ब्रायोफाइट में सिर्फ कंडक्टिंग टिश्यू था जिसको कंडक्टिंग स्ट्रैंड बोलते, वो भी सारे ब्रायोफाइट में नहीं रहेगा, इट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मॉसेस। ठीक है, एकदम क्लियर। ठीक है चलो, हीना अरोरा भी है यहाँ पर। हाँ वी आर इंडियंस एब्सोल्युटली। मेला मूवी से उठकर आया है गुज्जर। ठीक है चलो, अब इसी के साथ अलाहाबादी है, देखो ये अलाहाबादी आ गया, इसके अंडरग्राउंड। अच्छा मेरे को मेरा ड्राइंग तो हिट, ये देखो ये मेरा ड्राइंग कितना खूबसूरत है। चलो पहली बार मेरे को मेरा ड्राइंग अच्छा लगा है, बट ठीक है कोई नहीं। नाउ कमिंग बैक, ये नीचे आपको क्या दिख रहा है? तो हमने बोला ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, नहीं ये नहीं दिखेगा। राजा बेटा तेरे को मैं व्हाइट से ही बनाती हूँ, तब तो दिखेगा, चमकीला चमकीला हो रखा है ये। तो ये है राइजोम। राइजोम क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेप, अंडरग्राउंड स्टेम, और राइजोम से निकलने वाली इसकी जड़े, आहा, एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। का है एडवेंटिशियस रूट? तो हमने बोला बिकॉज इट कम्स फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम। कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम। जो स्टेम से आए, जो प्लूम्यूल से आए, जो स्टेम से आए, जो लीव से आए, वो होते हैं एडवेंटिशियस रूट। जो रेडिकल से आए वो टैप रूट, बाकी सारे एडवेंटिशियस रूट। तो क्योंकि ये राइजोम से आ रहा है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम से आ रहा है, वी कॉल इट एज एडवेंटिशियस रूट। परफेक्ट। ठीक है, ये फरहान, फरहान पूछ रहा है चेन्नई से कोई नहीं। बेटा मैं चेन्नई एक्सप्रेस से हूँ, वापस आइए आप, जरा पढ़ लीजिए भैया। नहीं तो मैं बता रही हूँ, नीट 2021 जब होगा ना, उधर एमसीक्यू में कोई नहीं पूछेगा तुम कहाँ से आया है, बता रही हूँ। चलो आ जाओ वापस, एवरीवन कंसंट्रेट, फोकस फोकस फोकस, फुल फोकस के साथ। कमिंग बैक, ये देखो कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट है जिनमें आपको ये क्या है? तो हमने बोला जमीन के ऊपर वाला स्टेम दिख रहा है। भैया ये तो जमीन के ऊपर वाला स्टेम है, जमीन के अंदर तो था नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको एरियल स्टेम। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल दिस एज? वी कॉल दिस एज एरियल स्टेम। यस परफेक्ट। नेक्स्ट, मोहम्मद शोएब इज आस्किंग मेरा नाम क्या है? बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला ही लाइन में आपको मेरा नाम मिल जाएगा। भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हो यार? ठीक है चलो कोई नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा नाम भूमिका मेहता है। ठीक है चलो आ जाइए वापस। अब कमिंग नेक्स्ट, ऊपर जमीन से ऊपर जो स्टेम दिखेगा उसको हम बोलेंगे एरियल स्टेम। और ये एरियल स्टेम, जैसे हर स्टेम को ब्रांचेस होते हैं, ये एरियल स्टेम के ब्रांचेस हैं। आपको लगेगा लीव्स है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर ब्रांचेस। सो व्हाट डू यू सी इज, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन है? ये एरियल स्टेम के ब्रांचेस है, दीज आर ब्रांचेस ऑफ एरियल स्टेम। नेक्स्ट, फिर यहां पर आपको दिखेगा, ये देखो यहां पर, यहां पर, अरे यहां भी देखो वहां भी देखो, जिधर चाहे वहां देखो, आपको दिखेंगे ब्राउन कलर के लीव्स। दीज ब्राउन लीव्स आर नोन एज स्केल लीव्स। ठीक है, दीज ब्राउन लीव्स आर नोन एज स्केल लीव्स। व्हाट इज स्केल लीव? ब्राउन कलर का जो लीव दिखेगा दैट इज नोन एज स्केल लीव। नेक्स्ट, जहां जहां स्केल लीफ है वहां वहां आपको क्या दिखेगा? नोड। व्हाई? बिकॉज इट्स अ स्टेम, तो डेफिनेटली नोड तो बनता है। एंड अंडरग्राउंड इसके पास एक स्टेम होगा जिसको हम बोलेंगे राइजोम। व्हाट इज राइजोम? अंडरग्राउंड स्टेम। और राइजोम से निकलने वाले ये होते हैं एडवेंटिशियस रूट। अभी ऐसा ही एक डायग्राम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, जिन्होंने अच्छे से नीट के लिए प्रिपेयर किया उनको पता होगा ये किसका इमेज है। सो नाउ माई क्वेश्चन इज, ये इमेज आपको किसका दिख रहा है? जल्दी बताओ किसका इमेज है ये? काजल गुप्ता कैसे हो आप? अंडरग्राउंड स्टेम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यूनिसेल्यूलर, अरे व्हाट इज यूनिसेल्यूलर? माय क्वेश्चन इज, अरे वाह दीपाली एकदम करेक्ट आंसर, एकदम प्राउड फीलिंग दे दी। ठीक है डैनियल, व्हाट इज योर डाउट? यू कैन राइट योर डाउट बच्चा। Equisetum is absolutely correct answer for all those. ठीक है, for all those who answered it as equisetum, perfectly correct. Longest plant equisetum. ठीक है, correct, 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 correct. Prachi, I am all good. बच्चा, thank you for asking. Yes, everyone, equisetum समझा है? Echo आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, संजना आपने भी बता दिया। Branches directly रूट की प्रोडक्ट है। बेटा ब्रांचेस रूट की प्रोडक्ट नहीं होती, एडवेंटिशियस रूट स्टेम से आता है। ब्रांचेस तो मेन जो स्टेम होगा उसके नोड से आएगा बच्चा। ठीक है, हाय अक्षय, ओके
ठीक है, चलो इसी के साथ, इसी के साथ डन, सब ठीक है, परफेक्ट, ओके ठीक है, डन, ओके, आई एम वेटिंग डैनियल, वेयर इज योर डाउट, ठीक है, ओके ओके ओके, हॉर्स टेल इसको बोलते हैं, आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स टेल, ठीक है, ठीक है, त्रिशला ने सबको बाय बोल दिया, क्यों त्रिशला, आई मीन अनुष्का, अनुष्का सॉरी, ठीक है, चलो इसी के साथ यस यस यस, ओके मी पुनः येईल, डैनियल का डाउट आ ही नहीं रहा है बेटा, डैनियल ने उल्लू बनाया मेरे को, ठीक है चलो कोई नहीं, शौर्य, नॉन नॉन ग्रीन लीव्स आर नोन एज स्केल लीव्स, अच्छा मैम आपको शाबाशी नहीं दे रहे, अरे बाप रे बेटा, सॉरी सॉरी, ठीक है ओके, अन्नू को ऑल द बेस्ट बोल दिया, गेमिंग बेटा व्हाट इज योर डाउट बेटा, प्लीज राइट, फॉर ऑल दोस हु आर सेइंग आई हैव अ डाउट प्लीज राइट, अच्छा बेटा अभी ऊपर मैं कितना स्क्रॉल करूंगी, वापस उसको कॉपी पेस्ट कर दो बेटा, कौशिक मेंटी इज गोइंग टू कम वेरी सून, ओके ओके ठीक है, ठीक है चलो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, फॉर ऑल दोस हु आर सेइंग बाय बाय, अन्नू व्हाट हैपेंड बच्चा, व्हाई आर यू लीविंग, अच्छा तानियत, तानियत सामान बेटा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, अच्छा मेरे को उल्लू बनाया, दीपाली जी नहीं अब तक कोई अपडेट नहीं है बेटा विद रिस्पेक्ट टू नीड, चलो कोई नहीं हम आगे बढ़ते हैं, सब मेरे को उल्लू बना रहे बैठ के, ठीक है देखो, अच्छा ये इमेज देख के बताओ ये लीफ कैसे दिख रहे हैं आपको, बड़े दिख रहे हैं या छोटे दिख रहे हैं, कंपेयर दिस लीफ एंड दिस लीफ, और बताओ ये लीफ बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, अच्छा टेस्ट है उनका, फिर ठीक है, फिर ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू, अरे क्या बात है, कल्पना करेक्ट आंसर, स्मॉल स्मॉल, छोटू छोटू लीफ है ये, दीज आर स्मॉल लीव्स एंड सच स्मॉल लीव्स आर नोन एज माइक्रोफिल, क्या बोला हमने, छोटू छोटू लीव्स है, करेक्ट, दीज आर ऑल छोटे छोटे, चिंटू चिंटू, छोटा छोटा लीव, छोटू रामलाल, एंड छोटू छोटू लीव्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल, आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, इसको माइक्रोस्पोरोफिल नहीं बताना, ठीक है, क्योंकि फिल का मतलब होता है लीफ, आजा मैं लिख दू, मैं लिख दू, फिल का मतलब होता है लीफ और माइक्रो का मतलब होता है चिंटू, तो क्योंकि ये चिंटू लीफ है इसलिए हमने इसको बोल दिया माइक्रोफिल, सिंपल, नेक्स्ट, इसके सामने अगर आप ये देखो तो ये दिखेंगे आपको बड़े बड़े पत्ते, इतने बड़े बड़े पत्ते रखने वाला प्लांट, इसको हम बोलेंगे मैक्रोफिल, लार्ज लीव्स, एंड इसको हमने बोल दिया टेरेस, क्या बोला, एग्जाम्पल देखो, याद रख लो एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्या जरूरी है, सेलाजिनेला कंटेन्स माइक्रोफिल, छोटे पत्ते किसमें दिखेंगे, सेलाजिनेला, बड़े पत्ते किसमें दिखेंगे, टेरेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ठीक है परफेक्ट, चलो इसी के साथ, इसी के साथ कमिंग नेक्स्ट, ओके टेरिडोफाइट पानी में हो सकते एक्वेटिक, टेरिडोफाइट डेजर्ट में हो सकते जेरोफाइटिक, टेरिडोफाइट दूसरे प्लांट के ऊपर भी हो सकते एपीफाइटिक, आई रिपीट, टेरिडोफाइट पानी में रहेगा एक्वेटिक, टेरिडोफाइट डेजर्ट में रहेगा जेरोफाइटिक, टेरिडोफाइट दूसरे प्लांट के ऊपर होगा एपीफाइटिक, ये जो एग्जाम्पल्स अब मैं बता रही हूँ दैट इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अगर आपने पहले से लिखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा है तो नोट कर लो, एक्वेटिक टेरिडोफाइट विल इंक्लूड मार्सीलिया एंड अजोला, जेरोफाइटिक विल इंक्लूड मतलब डेजर्ट में रहने वाला या कम पानी में रहने वाला या ऐसी जगह ठंडी में रहने वाला लेकिन जहां पानी बहुत कम है, बेहद कम पानी, इसको हम बोलेंगे जेरोफाइटिक इक्विसेटम एंड एपिफाइटिक लाइकोपोडियम, ये क्लियर सिंपल, कल्पना जी करेक्ट है, ऑर्किड ऑन मैंगो इज एपिफाइट, लेकिन ऑर्किड क्योंकि एंजियोस्पर्म है आई कैन नॉट इंक्लूड इट हियर, ठीक है आपका एग्जाम्पल सही है लेकिन वो टेरिडोफाइट के लिए सही नहीं, बाकी सही है, ठीक है
सिंपल, एवरीवन यहां तक क्लियर हुआ है? ओके ठीक है ठीक है, चलो तो सबने नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बोलना नहीं मेरे को पीडीएफ नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला। ठीक है, सो आई रिपीट, एक्वेटिक में क्या जाएगा? मार्सिलिया नजोला, जेरोफाइटिक, कम पानी में रहने वाला इक्विसेटम, और दूसरे प्लांट के ऊपर रहने वाला लाइकोपोडियम। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या आएगा? तो हमने बोला ये देखो क्या मस्त है यार, क्या मस्त है। ठीक है चलो, अब इसी के साथ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज, मैंने बोला था उषा मैम ने ना, मतलब आपको प्लांट के साथ सच्ची प्यार हो जाना चाहिए ना, इतनी खूबसूरत से स्लाइड बना रखी है। चलो नाउ कमिंग बैक एवरीवन, एंड व्हाट डू वी सी हियर? देखो प्रियंका हंस रही है मेरे पे। तो हमने बोला ये देखो, ये इक्विसेटम के कुछ तो आपको पत्ते दिख रहे हैं। कैन एनीवन आइडेंटिफाई वो जो येलो कलर का मैंने सर्कल किया है, वो क्या है? क्या है वो? कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो क्या है वो? स्पोर। एग्जैक्टली बेटा, ओपी लेवल पीपीटी है ये, करेक्ट। ओके ओके, स्पूलिंग इज द, बेटा स्पूलिंग इज अ पार्ट ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए का पार्ट होता है स्पूलिंग। ठीक है, तो दैट इज पार्ट वन, स्टेप वन ऑफ बायोटेक, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। स्ट्रॉबिलस, स्केल लीव्स, आनंदा करेक्ट आंसर, दैट इज स्केल लीव्स। हंसराज करेक्ट आंसर, दे आर लीव्स। तो जिन्होंने भी लीव्स बोला, स्केल लीव्स बोला, ये करेक्ट है। प्रोजेनी मतलब बच्चा होता है यार। ठीक है, शोएब जी ने सब लिख के ले लिया। ठीक है चलो, कमिंग नेक्स्ट, ये बुट्टा है, ये बुट्टा है और मैं बुड्ढी है। चलो ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट। अरे बाप रे, सॉरी सॉरी डैनियल, दीज आर नोन एज स्केल लीव्स, जो आपको काले काले, ये काले काले पत्ते, आहा, वो है ये स्केल लीव्स। और उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ना, जिसको किसने तो बुट्टा बोल दिया, ये बुट्टा है ना, इसी को हम बोलते हैं कोन। क्या बोला हमने इसको? कोन। कोन नहीं बना देना, ये कोन है। कोन, कोन को दूसरा नाम जाता है स्ट्रोबिलस। कोन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोबिलस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कोन किस में मिलेगा आंसर? इक्विसेटम। कोन इज प्रेजेंट इन विच टेरिडोफाइट? योर आंसर हैज टू बी इक्विसेटम। ये क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट फिर हमने बोला और क्या दिखेगा उस कोन में? ऐसा गोल 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 गोल, क्या था? स्पाइरली अरेंज्ड स्पोरोफिल। ये देखो, ये होता है एक एक स्पोरोफिल। आजा बेटा, रेड कलर के लाल लाल स्पोरो ने, लाल भी नहीं दिखेगा। आजा बेटा, व्हाइट ही हमारी जिंदगी बेरंग है। ये सफेद सफेद जो आपको गोले दिख रहे हैं, ये हर एक को स्पोरोफिल बोला जाएगा। और सारे स्पोरोफिल कैसे अरेंज है? तो हमने बोला जलेबी की तरह एकदम सीधा सीधा सीधा, स्पाइरली अरेंज स्पोरोफिल। ये क्लियर, सिंपल। देखो देखो प्रियंका, प्राची है ना, प्राची है ना, ये कुपोषित भुट्टा क्या होता है यार, कुपोषित भुट्टा क्या होता है? चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट? तो हमने बोला ये जो स्पोरोफिल है, अगर आपको किसी और प्लांट में जिसमें कोन नहीं दिखता, उसमें स्पोरोफिल एकदम इनलार्ज दिखता है, तो कहाँ दिखेगा आपको स्पोरोफिल? ये देखो है ना, मैं हट गई साइड में ताकि आप स्पोरोफिल को कंप्लीटली देख सको, एग्जैक्टली वहां पर। ठीक है, कैन यू सी कि ये जो इतना बड़ा सा है, ये पूरे लीफ को, दिस एंटायर, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो भाई हम तो फिसल गए। ठीक है, इस पूरे लीफ को, दिस एंटायर लीफ इज टुगेदर नोन एज स्पोरोफिल। इस पूरे लीफ को हम एक साथ क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल, सिंपल क्लियर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो इसी के साथ मैं आ जाती हूँ वापस। ठीक है, वापस आ जाती हूँ मैं अपनी जगह पर। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट, एंड व्हाट डू वी सी नेक्स्ट? तो हमने बोला स्पोरोफिल पे आपको क्या दिखेंगे? तो हमने बोला स्पोरोफिल पे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ऑरेंजिश रेड ब्राउन कलर के डॉट डॉट, इस डॉट डॉट को आप क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट एज, जब तक वो बंद है तब तक वो सोरस, वो खुल जाएगा तो स्पोरांजिया। ठीक है, सिंपल। चलो इसी के साथ, इसी के साथ, इसी के साथ वी कम नेक्स्ट।
एंड वॉट डू वी सी हियर? तो हमने बोल दिया ये स्पोरांजिया है फिलहाल जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है. एग्जैक्टली ये जो है ना ये रेड वाला ब्राउन वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज स्पोरांजिया. नाउ कमिंग बैक, इसी के साथ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड वॉट डू वी सी हियर. भाई एक और नया बेहतरीन इमेज नहीं आया? चलो कोई नहीं, कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट. जितने भी जी स्पोरांजिया के अंदर स्पोर बनेगा, जी हाँ बिल्कुल हाँ, जितने भी एल्गे थे सब स्पोर बनाते लेकिन सेम टू सेम स्पोर. जितने भी ब्रायोफाइट है सारे ब्रायोफाइट स्पोर बनाएंगे लेकिन सारे स्पोर सेम, मतलब सबके सब होमोस्पोरस होते यार, एक ही टाइप के स्पोर बनाते हैं मेल फीमेल, ऐसे अलग अलग स्पोर बनते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है. सो एल्गे एंड ब्रायोफाइट आर ऑल होमोस्पोरस, दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पोर्स. लेकिन जैसे ही हमने बोला टेरिडोफाइट, वैसे ही कहानी में ट्विस्ट. Most of the pteridophytes are homosporous, lekin there are some which are heterosporous. And what can you remember as example? Example la jare. हाँ, example में हम याद रखेंगे mass. ये mass क्या है? तो हमने बोला देखो mass में M है Marsilia, A है Azolla, S है Salvinia और एस है सेलाजिनेला. सिंपल. सो व्हाट डू वी हैव हियर? मार्सिलिया, अजोला, साल्विनिया एंड सेलाजिनेला, दीज आर हेटेरोस्पोरस. ऐसे में याद कर लो वो भी चलेगा. ठीक है, अगर सी टेक्स्ट बुक में आपको है ना अजोला नहीं दिया, सो इवन इफ यू वांट टू रिमेंबर इट एज एसएमएस तो वो भी चलेगा. एसएमएस मतलब सेलाजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया, वो भी चलेगा, एब्सोल्युटली चलेगा, क्यों नहीं चलेगा. ठीक है, तो आपको जो याद रहता है वो याद कर लो, हमको चलेगा भाई, आपको चलना चाहिए बस. ये क्लियर? परफेक्ट एवरीवन, दिस मच इज क्लियर. प्लांट किंगडम से बहुत डर लगता है बेटा, कोई बात नहीं, बड़ा इजी चैप्टर है. ठीक है, एवरीवन, एवरीवन हु इज हियर, यहां तक क्लियर? शाफान पूछ रहा है एम आई फाइन. शाफान आई एम लाइक दिस ओनली, डोंट वरी. Okay. For all those who want to take screenshot, it's okay. You can take screenshot. Okay, I'll just write the last statement. Or the last statement is here. ठीक है, ये हमारा last statement है. Heterosporous pteridophytes are precursor of seed habit. मतलब after pteridophyte gymnosperm आया. तो gymnosperm में seed habit दिखता है. तो who is the ancestor of gymnosperm? Heterosporous pteridophyte. Salvinia, Salaginella, Marsilia, Azolla. Clear? Simple? Noted everyone. All those who wanted to take screenshot, please take the screenshot. I am there with the post. ठीक है. चलो, coming back. Done everyone. Everyone. ये clear हुआ है सबका? ठीक है. Perfect. मेरे वहां बारिश भेजोगे क्या बेटा? क्या कर रहे हो यार, मुंबई के आधे लोग इधर फ्लड से मर जाएंगे, मेरे यहाँ बारिश भेजोगे तो क्या ही कर रहे हो. ठीक है, चलो, हम रहते हैं समुंदर के करीब, अरेबियन सी के बाजू में, इतनी बारिश भेजोगे अब मुंबई रहेगा ही नहीं, पूरा अरेबियन सी में चला जाएगा, मेरे यहाँ बारिश भेजेगा. चलो कोई नहीं. ठीक है, टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू हाउ मेनी क्लासेस? सी, एल्गे इज क्लासिफाइड इंटू क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी. ब्रायोफाइट इज क्लासिफाइड इंटू लिवोबर्ट एंड मॉसेस. अब सवाल था टेरिडोफाइट का, टेरिडोफाइट कितने में क्लासिफाई हो? सो वी सेड टेरिडोफाइट इज क्लासिफाइड इनटू 1, 2, 3, 4 क्लासेस. चार क्लासेस है. सबसे पहले सिलोप्सिडा, उसके बाद लाइकोप्सिडा, उसके बाद स्फिनोप्सिडा और उसके बाद लास्ट टेरोप्सिडा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स यही तो एग्जाम्पल्स है जो एमसीक्यूज में आता है, especially in the form of match the column की तरीके से ये MCQ में आता है. तो इसमें ना कुछ चीजें बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, जैसे कि सिलोप्सिडा, नाम से ही समझता है इसमें सिलोटम आएगा, सिलो सिलो सेम है ना. लाइकोप्सिडा, लाइको लाइको, तो लाइकोपोडियम आएगा, ये तो सेम है. अब टेरोप्सिडा में आपको समझ जाएगा भाई टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, तो इतना तो याद रह जाए. अब बचा क्या? तो हमने बोला सेलाजिनेला याद करना, इक्विसेटम याद करना और एडियंटम याद करना. तो अब क्या करोगे?
याद ऐसा करोगे? ठीक है, चलो इसका हम कुछ बनाने की कोशिश करते। उन्होंने बोला सी लो। क्या बोला? सी लो सी लो सी लो। फिर तो हमने बोला सी लो सी लो, लाइको से। ठीक है, सी लो लाइको से। फिर क्या बचा? इक्वल पी लो। नहीं, नहीं ये जाएगा, नहीं जाएगा। हाय भैया, ये निमोनिक तो बनने से रहा। चलो कोशिश कर रही हूँ। इक्वल फिनो, सीलो सीलो लाइको से इक्वल फिनो। फिर क्या बचा? तेरा अड्डा। ठीक है, सीलो सीलो लाइको से इक्वल फिनो तेरा अड्डा। पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, आई हैव नो आइडिया वेदर यू कैन रिमेम्बर दिस और नो, बट दिस इज इजी। ये देखो, सिलो मतलब सिलोप्सिडा, ओपी एनी विच वे साइलेंट है, तो हमने सोच लिया सिलो मतलब सिलोप्सिडा, ये सिलो मतलब सिलोटम। ठीक है, ये लाइको से हमको याद रह जाएगा दिस इज लाइकोप्सिडा एज वेल एज लाइकोपोडियम। से सेलाजिनेला। ठीक है, सीलो सीलो लाइको से मतलब सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइको से मतलब लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, एंड से मतलब सेलाजिनेला। इक्वल इक्विसेटम, सीन इन केस ऑफ फिनो स्पिनोप्सिडा। टेरा टेरिस और टेरिडोफाइट, सॉरी टेरोप्सिडा। तेरा से समझ आएगा बेटा, टेरोप्सिडा भी आएगा, टेरिस भी आएगा और ड्राई ऑफ टेरिस भी आएगा। सी, आपको ये लिखना नहीं है, एमसीक्यू में से सिलेक्ट करना है। तो तेरा मतलब टेरोप्सिडा भी आएगा, टेरिस भी आएगा, ड्राई ऑफ टेरिस भी आएगा। अड्डा एडियंटम। ठीक है, नाउ आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ इजी इट वुड बी फॉर यू। ठीक है, बट आई कैन टेल यू कि चलो जितना होता है उतना याद कर लो। ठीक है, नहीं याद होता ये इस निमोनिक से तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो मैंने अभी 2 सेकंड में बनाया, मतलब 2 मिनट में बनाया है, तो ज्यादा मेहनत तो की नहीं है मैंने। तो आप इसको अगर बलि भी चढ़ा दोगे तो भी चलेगा। तो मैंने क्या याद किया? सिलो सिलो लाइको से इक्वल फिनो तेरा अड्डा। सी, एवरीवेयर इट इज टू टू, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सिलो सिलो मतलब सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइको से लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा सेलाजिनेला। इक्वल फिनो इक्विसेटम स्फिनोप्सिडा, तेरा अड्डा टेरिस ड्रायोप्टेरिस टेरोप्सिडा एडियंटम। ठीक है, परफेक्ट सिंपल। कंफ्यूजिंग है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इफ इट इज कंफ्यूजिंग जाने दो, नहीं पढ़ते इसको, ये याद कर लो। लेकिन ठीक है, मैच द कॉलम में ये आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलोप्सिडा में सिलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला। ठीक है, स्पिनोप्सिडा में आएगा इक्विसेटम विच इज हॉर्स टेल, टेरोप्सिडा में आएगा टेरिस ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम। सिंपल। और ज्यादा घुमा दिया मैंने? ठीक है, अच्छा निधि इज ऑल्सो, या निधि इज लाइक, मैं भक्ति की क्लास में ढूंढना। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। हमजा बाय बच्चा। हेलो निधि, हाउ आर यू? ओके ओके निधि, आई सॉ योर मैसेज निधि। शांतनु शर्मा इतना लेट आया है बच्चा आज, आपके अकाउंट को ही डिलीट कर दिया, अरे बाप रे। ठीक है ओके चलो एवरीवन, ये एटलीस्ट देखो निमोनिक नहीं आता था, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बाद में सोच के अच्छा सा निमोनिक बना लूंगी। ठीक है, बट एटलीस्ट ये क्लियर है, एटलीस्ट ये क्लियर है। वॉकिंग फोन एडियंटम को बोलते हैं। हाँ जी महाराज जी, एब्सोल्यूटली यस, क्लियर। थैंक यू डेनियल, थैंक यू सो मच, याद रहता है। ठीक है ठीक है, चलो देन वी कम बैक। ठीक है।
चलो एवरी वन वी कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट एंड वॉट कम्स नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी देखो मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ ये देख लेते हैं. ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं स्पोर से. दिस पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, जिसको मैंने वन लिख दिया वो फर्स्ट स्टेप है. ये स्पोर है, ये स्पोर हैप्लॉयड होता है. ये क्लियर? चलो मैं थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए. अब ठीक है, रट्टा मारेंगे. ठीक है, अच्छा, आप आए थे लेकिन चैट में एक्टिव नहीं थे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. स्पेंड, ओके ठीक है. ये देखो सिंगल सेल स्पोर है. स्पोर ने किया माइटोसिस तो क्या बनेगा? जर्मिनेट होगा. और माइटोसिस करने के बाद क्या बनेगा? गैमेटोफाइट. दिस गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोथैलस. क्या नाम दे दिया हमने इसको? प्रोथैलस. ये क्लियर? नाउ इफ यू सी दिस प्रोथैलस, प्रोथैलस पे मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स दिखेंगे. मतलब अब यहां अगर आप देख लो, यहां पे आपको दिखेगा मैच्योर एंथेरिडियम है और यहां आपको दिखेगा यहां पर मैच्योर आर्चिगोनियम है. आर्चिगोनियम फिर वही फ्लास्क शेप, ठीक है. और आर्चिगोनियम के अंदर क्या रहेगा? फीमेल गैमेट एग. एंथेरिडियम क्या बनाएगा? मेल गैमेट नोन एज स्पर्म या फिर एंथेरोजॉइड. ठीक है, तो स्पर्म को दूसरा नाम क्या दिया हमने? एंथेरो. फिर वहां वही गाना शुरू हो गया, बारिश की जाए, बारिश की जाए, बारिश की जाए, यार मेरा हंस रहा है खुदा, बारिश की जाए. तो बारिश हो गई. अब बारिश हो गई तो स्पर्म ऐसा मस्त एंथेरोजॉइड एकदम ऐसा फुल स्पीड में स्विम कर रहा है. फिस 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 फिस, और स्विम करते 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 कहां पहुंचा? तो हमने बोला ये स्विम करते 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 पहुंचा यहां पर अंदर, और अंदर एग और एंथेरोजॉइड में यू हुई टकरार कि बन गया वहां पर जायगोट, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. क्या हो गया वहां पे? फर्टिलाइजेशन. सिंपल. तो हमने बोला देखो क्या हुआ, वी हैड अ हैप्लॉइड स्पोर. हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होगा, माइटोसिस करेगा. माइटोसिस करने के बाद वो क्या बनेगा? गैमेटोफाइट. वेरी इंपॉर्टेंट, गैमेटोफाइट का नाम प्रोथैलस. टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को क्या बोलोगे? प्रोथैलस. व्हाट विल यू कॉल द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट? प्रोथैलस. ठीक है, ये तीन बार मैंने क्यों बोला? मैं एकता कपूर के सीरियल में काम करती हूँ. नहीं, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे, ये इधर सेरिब्रम में बैठे कि प्रोथैलस इज टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट. ये क्लियर? सिंपल. नेक्स्ट, फिर क्या होगा? तो हमने बोला गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा? मेल एंड फीमेल दोनों रहेंगे. मेल गैमेटोफाइट को बोलोगे एंथेरिडियम, फीमेल गैमेटोफाइट को बोलोगे आर्चिगोनियम. एंथेरिडियम ने बना लिया वो चिंटू चिंटू एंथेरोजॉइड विच आर मेल गैमेट्स एंड दे आर हैप्लॉइड. आर्चिगोनियम ने क्या बनाया? चिंटू सा एग सेल, और वो फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम के अंदर था, जिसमें आपको मिलेगा नेक एंड वेंटर. फिर नेक्स्ट, बारिश हुई, क्योंकि बोला था ना मेरा यार हंस रहा है बारिश हो जाए, तो बारिश की गई. और बारिश करने के बाद मतलब खुदा भी फ्री बैठा है, खुदा भी बोला चल तेरे को बारिश ये मैं कर देता है, तू भी अपनी जी ले जिंदगी. तो बारिश कर दी और एंथेरोजॉइड स्विम करके चला गया आर्चिगोनियम तक. फिर अंदर क्या हुआ? तो हमने बोला बवाल हो गया, भौकाल मच गया. इतना भौकाल मच गया कि वो एग जो था वो क्या बन गया? जायगोट. अब यहां से शुरू होगा हमारा नया सफर. ठीक है, यहां से जहां से जायगोट बन गया वहां से शुरू होगा स्पोरोफाइट स्टेज. यहां से सब कुछ होगा डिप्लॉयड. ये क्लियर? ठीक है, परफेक्ट. ठीक है, नाउ कमिंग बैक. ओके, नाउ कमिंग बैक. तो हमने बोला, विनीता ने बोला इंद्रदेव फ्री बैठे हैं. अच्छा ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? स्पोरोफाइट इज द फर्स्ट डिप्लॉयड, आई मीन द वेरी फर्स्ट डिप्लॉयड स्टेज दैट यू सी इज जायगोट. जायगोट इज द फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल. नाउ, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई मिस्ड, आई एम रियली सॉरी, आई मिस्ड अ पॉइंट, एंड दैट इज प्रोथैलस इज ग्रीन इन कलर एंड देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट.
प्रोथैलस का कलर क्या है? ग्रीन. इट इज हरा भरा इन कलर. इट कैन मेक इट्स ओन फूड एंड देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम नीला आसमां स्पोरोफाइट के पास. अब स्पोरोफाइट के लिए मैं चले जाती हूँ यहाँ पर. ठीक है, एंड सी हियर व्हाट हैपेंस हियर. स्पोरोफाइट विल अंडरगो, मतलब जायगोट विल अंडरगो माइटोसिस. जैसे जायगोट ने किया माइटोसिस, व्हाट इज फॉर्मड? यंग एम्ब्रियो. यंग एम्ब्रियो विल डिवाइड एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग फर्स्ट लीफ, फर्स्ट रूट, एंड एम्ब्रियो इज ग्रोइंग ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. सो व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग मोर मोर एंड मोर, क्या बनेगा? तो हमने बोला नीचे एडवेंटिशियस रूट, ऊपर यंग लीफ, एंड दैट इज वॉट इज यंग स्पोरोफाइट. बिकॉज यंग स्पोरोफाइट इज ग्रीन इन कलर, इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड इट इज इंडिपेंडेंट. थोड़ा वक्त गुजरने दो और क्या दिखा? वक्त थोड़ा और गुजर गया, माइटोसिस थोड़ा और हो गया, एंड देन यू फाइंड फेदर लाइक लीव्स नोन एज मेगाफिल, या फिर छोटा छोटा लीफ होगा नोन एज माइक्रोफिल. इसी मेगाफिल और माइक्रोफिल में नीचे आपको दिखेगा अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम. एरियल स्टेम विल ऑल्सो बी प्रेजेंट एंड प्लस ऑन द बिहाइंड ऑफ सम लीव्स. पीछे क्या है? पत्तों के पीछे क्या है? पत्तों के नीचे और पत्तों के पीछे या नीचे के सरफेस पे यू विल सी सोरस. सोरस के अंदर क्या है? तो हमने बोला स्पोरोजेनस टिश्यू और ये क्या करेगा? मियोसिस. जब स्पोरोजेनस टिश्यू करेगा मियोसिस तो हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड विद दिस हैप्लॉइड स्पोर द सोरस विल ओपन रप्चर एंड विद एयर करंट इट विल गो. ये क्लियर सिंपल. तो हवा के साथ साथ स्पोर विल बी डिस्पर्स्ड. जहां जहां स्पोर गिरेगा वहां से नया प्रोथैलस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? सो इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ लाइन, मतलब जिंदगी में मेरे को लाइन मारना आता तो नहीं है, बट स्टिल अगर मैंने लाइन मारी तो यहां से ये है स्पोरोफाइट. और अरे बाप रे, अरे 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 क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया. हाँ हाँ, ये है स्पोरोफाइट लिखा हुआ गया तो नहीं. हाँ, बच गया बच गया बच गया. हाय भगवान, थैंक गॉड, थैंक जीजस. ओके नेक्स्ट, ये हमारा लाल वाला जो है दिस इज गैमेटोफाइट. हाफ ऑफ द लाइफ इज हैप्लॉइड, हाफ ऑफ द लाइफ इज डिप्लॉइड, सो इट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ये क्लियर, ये क्लियर, सबको समझ आया? अरे बापरे, विनीता ने बोला जब से वैक्सीन लेके आयो तब से कॉमेडी लेवल ओपी. विनीता अभी दो महीने बाद ना सेकेंड डोज आएगा बच्चा, फिर देखो क्या होगा. मेरे को तो डर लग रहा है बेटा, मेरे फैमिली वाले कहीं निकाल ना दे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोथैलस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. मेनी अ टाइम्स इट कम्स इन एमसीक्यू, मेनी अ टाइम्स इट कम्स इन एमसीक्यू कि भाई कि विच प्लांट, ठीक है, विच प्लांट विल कंटेन बोथ एज इंडिपेंडेंट. द आंसर इज टेरिडोफाइट. दे ऑल्सो आस्क यू, ठीक है, दे ऑल्सो आस्क यू अबाउट क्या बोलते हैं उसको, प्रोथालिस इज सीन इन. द आंसर हैज टू बी टेरिडोफाइट. विनीता इज लाइक फिर क्या होगा, देवा रे देवा, दिवे लावणार बेटा, दिवे लावणार. अच्छा ठीक है डैनियल, आई जस्ट डू द जादू, आई डू द नीडफुल. वेट, हाँ ये रहा. देखो रुद्र ने बोला कपिल शर्मा में ट्रांसफॉर्मेशन. बेटा कपिल शर्मा इज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड, मतलब उसके सामने तो हम क्या ही बोल रहे. बारिश होने लगी सोनम के इधर, ठीक है, अरे मेरे को वापस तो बुला लो. अरे भाई मेरे को वापस बुला लो, ड्रामा किंग बोल दिया मेरे को. क्वीन क्वीन बच्चा, मैं फीमेल है, ठीक है. ज्योत्सना अगर आप बना रहे हो तो मैं खाऊंगी, ले ली स्क्रीनशॉट, आ जाओ. चलो ठीक है फिर, ठीक है. मेरे को लगा मेरे को भगा दिया, बोला बस तुम्हारा यही तक का रोल था यूट्यूब पे, अभी निकलो पतली गली से, निकलो इधर से. ठीक है चलो एवरी वन लेट्स कम बैक. देखो चलो अब वापस आ जाते हैं हम. वॉट अबाउट जॉनी लिवर? बेटा जॉनी लिवर जी जो है ना,
इनको हम कॉमेडी में ना बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना कपिल शर्मा से ना किसी और से। बोलते ना जैसे हम सबके अंदर ब्लड है, वैसे उनके अंदर कॉमेडी के जोक्स हैं, ऐसा चलता है। चलो कोई नहीं, कुछ लोग होते हैं बेटा, दे आर ग्रेट आर्टिस्ट एंड वी कांट कंपेयर देम एट ऑल, ठीक है। चलो जैसे इस चैनल पे भी आपको बहुत से एकदम, जैसे हमारे SSP बाबा है, जैसे हमारे अरविंद सर है, जैसे मीनाक्षी मैम है, ये बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इनके साथ मैं किसी को कंपेयर कर नहीं सकती, ऐसा हाल है, ठीक है। चलो इसी के साथ एवरीवन, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, यस परफेक्ट। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। पतली गली से कैसे निकले, देखो पतली गली से हम नहीं निकल सकते बेटा, ये बात भी सही है, वेट तो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। चलो एक डाउट है, वैष्णवी यू कैन सेंड योर डाउट बेटा, आई एम रीडिंग, ठीक है। विपुल शर्मा ने पूछा हेटरोस्पोरस में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट आएगा, जी हाँ एब्सोल्युटली यस, बट आई रिपीट अंडर इन दैट सिनेरियो आल्सो दे आर एक्सेप्शनल केसेस, जनरली हम टेरिडोफाइट में यही बोलेंगे कि गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्लियर। चलो परफेक्ट, चलो रसमलाई हंस रहा है, सोनम थैंक यू सो मच, दिव्या थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स बच्चा, ठीक है। चलो एवरीवन, ये इसी तरीके से आप प्यार देते रहो बेटा, हमको है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी यूट्यूब पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलो एवरीवन लेट्स स्टार्ट, डैनियल दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, मतलब साइलेंट कॉमेडी उनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। चलो हमने ना ये वॉलपेपर होता है जिम्नो वाला, अच्छा ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म है बेटा, ये जिम्नोस्पर्म है। मैं ना जब हिमाचल गई थी ना, तो वहां एक जगह है उसका नाम है ग्रीन वैली, शायद सबको नहीं पता होगा क्योंकि वो इतना फेमस नहीं है। करेक्ट विपुल, इस केस में बोथ आर फ्री लिविंग, मतलब गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ आर फ्री लिविंग, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बट इन केस ऑफ हेटेरोस्पोरस फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट फॉर अ लॉन्ग 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 ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देयरफॉर इट कुड बी कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट, बट दैट इज अगेन एन एक्सेप्शन, वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। परफेक्ट, चलो इसी के साथ एवरीवन, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। अच्छा वहां एक जगह है बेटा ग्रीन वैली, ग्रीन वैली में ना अगर आप सुबह 7:30 बजे के आसपास या मे बी 7 o'clock के आसपास, जब जस्ट सनराइज हो रहा है उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना, यू विल सी अ सिनेरियो विच इज वेरी सिमिलर टू दिस, वेरी सिमिलर, मतलब आई कैन कंसिडर आई वॉज सो मैड इन लव विथ हिमाचल कि भाई मैं ना रात को जागती थी ये देखने के लिए कि यहाँ स्टार कितने खूबसूरत दिखते हैं, और सुबह जल्दी उठती थी ये देखने के लिए कि सनराइज कितना खूबसूरत होता है। फिर वहाँ नालढेरा करके एक जगह है, वहाँ मैं स्पेशली जाती थी सनसेट देखने के लिए, मतलब फॉर 7 days आई वॉज देयर, बट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल एंड एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल ओवर देयर। चलो कोई नहीं, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट, हिमाचल का मेरा प्यार तो भाई अधूरा ही रह जाएगा क्योंकि वो पता नहीं कितना भी कर लो पूरा ही नहीं होता है। चलो कोई नहीं, जिम्नोस्पर्म पे आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म को मैंने हिमाचल की बातें क्यों की पता है, क्योंकि यू सी अबंडेंट जिम्नोस्पर्म इन हिमाचल, इन उत्तराखंड, इन जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपको बहुत ढेरों 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 जिम्नोस्पर्म मिल जाएंगे, मतलब राह चलते जिम्नोस्पर्म आपको हाय बाय बोलते रहेंगे, क्लियर, ठीक है। चलो इसी के साथ सोरस प्रॉब्लम है, ठीक है, अपना टाइम आएगा अपन भी जाएंगे, ठीक है। चलो नाउ कमिंग बैक एवरीवन, लेट्स कम टू जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में हमको क्या दिखा। जिम्नोस्पर्म को अगर प्यार से थोड़ा नजदीक से देख लो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये क्या था, तो हमने बोला ये सीड होते हैं उनके, ठीक है। अब इनके सीड कैसे थे, नंगे पुंगे, ऊपर कोई फ्रूट था ही नहीं, हाय नंगा, तो हमने बोल दिया भाई ये तो नेकेड सीड है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया जिम्नोस्पर्मा। दीज आर द ओनली फेनेरोगैम्स जिसमें ओवरी नहीं होता है, ये क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया, विच प्लांट्स आर एडवांस, एंड द आंसर इज मोनोकॉट्स, एंजियोस्पर्म्स आर मोर एडवांस, एंजियोस्पर्म में भी मोनोकॉट्स आर मोर एवॉल्व्ड, ठीक है, करेक्ट, नॉट एनक्लोज बाय ओवरी, नो फ्रूट प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल, ओके। तो हमने बोल दिया बेटा ये देखो, चलो ये देखो हमने क्या बोल दिया, ये नेकेड है क्योंकि इनमें ओवरी नहीं है, और ओवरी नहीं है इसलिए इनमें फ्रूट भी नहीं है, तो फ्रूटलेस प्लांट्स है।
विदाउट ओवरी इकलौता फेनेरोगैम, इकलौता स्पर्मेटोफाइट विच इज विदाउट ओवरी एंड दैट इज जिम्नोस्पर्म. एंड हियर कम्स द नेक्स्ट, व्हाट डू वी सी हियर, ये है हमारे थियोफ्रेस्टस चचा जी. चचा जी कैसे हो आप? ठीक है, तो हमने बोला चचा जी ने एक बुक लिखी थी थियोफ्रेस्टस. थियोफ्रेस्टस को हम चचा जी नहीं बोलेंगे, पप्पा बोलेंगे. क्यों? ही इज द फादर ऑफ बॉटनी. इन्होंने एक बुक लिखी थी 300 बिफोर क्राइस्ट में, सोचो. और उस बुक का नाम है एंक्वायरी इनटू प्लांट्स. पहली बार इन्होंने उस बुक में बोला था भाई कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सीड नंगे पुंगे होते हैं, इनको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्मा. तो तब से हम ये वर्ड जिम्नोस्पर्म यूज करना शुरू कर चुके हैं. नेक्स्ट, टोटल जिम्नोस्पर्म के 70 जीनस एंड 725 स्पीशीज है जो इस पूरी दुनिया में जिंदा है. उसमें से इंडिया में 16 जीनस एंड 53 स्पीशीज मिलता है. ठीक है, अब ये नंबर्स अगर आपको नहीं याद रहते चलेगा, ये याद रखना जरूरी है. क्लियर? चचा जी ने शेव नहीं करा बेटा, लॉकडाउन है ना, वो कोविड फैल रहा है हर जगह. वो बेचारा, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, वो हजामत करने वाला नजदीक आएगा, कोविड स्प्रेड होएगा, तो इसलिए शेव नहीं करते. चलो नेक्स्ट, कमिंग नेक्स्ट, ही इज फादर ऑफ बॉटनी एब्सोल्युटली. फिर हमने बोला हमारे पास और क्या आएगा. ये क्या बात है, जबरदस्त, कितना ऊंचा है ये, इतने ऊंचे हो तुम. अच्छा, अब हमने क्या बोला, देखो आयुषी आ गई, आयुषी का स्वागत कर लेते. ठीक है, परफेक्ट. नाउ कमिंग नेक्स्ट, हाफ विराट कोहली. देखो अब हमने क्या बोला, जिम्नोस्पर्म कैसे होंगे, ऐसे होंगे लंबे लंबे. मेरे को कभी मौका मिला ना नेक्स्ट सेशन में, मैं ना मेरा और जिम्नोस्पर्म का एक फोटो बताऊंगी आपको. ठीक है, नाउ कमिंग बैक, इतना लंबा होता है ये जिम्नोस्पर्म. और ये जिम्नोस्पर्म हमेशा कैसे होते, तो हमने बोला हमेशा ये वुडी होते हैं. एवरग्रीन मतलब जो लोग हिमाचल जा चुके हैं रहते हैं, या उत्तराखंड जा चुके हैं या रहते हैं, या जम्मू कश्मीर जा चुके हैं या वहां रहते हैं, उनको पता होगा हरियाली हमेशा दिखेगी, चाहे वो विंटर सीजन हो, चाहे वो समर सीजन हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो, पत्ते हमेशा ग्रीन रहेंगे. ऐसा कभी नहीं दिखेगा सारे पत्ते जड़ गए, बस सूखा सा पेड़ है, ऐसा नहीं दिखता. क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म ऐसा है ही नहीं, जिम्नोस्पर्म डेसिडुअस है ही नहीं. जिम्नोस्पर्म बोलता है मेरे बाल पे तो नहीं, मेरे सर पे तो हमेशा हरे भरे पत्ते रहे, हरियाली रहे, अपने घर की खेती है भाई, उगाते रहो. सो एवरग्रीन होता है जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एवरग्रीन. उसका स्टेम जो होगा वो कैसा होगा, वुडी स्टेम एंड पेरेनियल. पेरेनियल मतलब सदियों तक जिएगा, जिसकी जिंदगी 2 साल से ज्यादा हो उसको हम बोलेंगे पेरेनियल. 1 साल की जिंदगी एनुअल, 2 साल की जिंदगी बाइनियल, 2 साल से ज्यादा की जिंदगी पेरेनियल, 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 पेरेनियल. ये क्लियर, सिंपल. नेक्स्ट, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट. ये तो भाई कॉमन सी चीज है भाई, फेनेरोगैम है लेकिन ओवरी नहीं है, तो फ्लावर एंड फ्रूट विल बी एब्सेंट. नेक्स्ट, ये देखो ये कौन है, ये इतना चिंटू सा जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म हमेशा लंबे होंगे जरूरी नहीं है, एकदम चिंटू चिंटू भी होते हैं. इतना चिंटू जिम्नोस्पर्म, देखो स्मॉल साइज ट्री होते हैं ये, छोटे 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 छोटे. इनको हम क्या नाम देंगे, इस चिंटू को क्या नाम दू, चिंटू, सी फॉर चिंटू, सी फॉर साइकस, दिस इज नोन एज साइकस. ये क्लियर, ओके. कीर्थना, आई गेस दैट्स अ रॉन्ग इमेज, दैट्स अ रॉन्ग इमेज, आई एम सो सॉरी, ये गलत इमेज आ गया गलती से, कोई नहीं. दिस इज मीडियम साइज ट्री, मतलब जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री भी होता है, जैसे कि गिंको. ओके, गिंको इज अ मीडियम साइज ट्री, या फिर यू कैन सी गिंको बाइलोबा, हाँ यही होते हैं मीडियम साइज ट्री में. और कुछ होते हैं दे आर टॉल साइज ट्री, दे आर टॉल ट्रीज. एग्जाम्पल पाइन, एग्जाम्पल सिकोया. ठीक है, परफेक्ट. हाँ, पाइन एंड सिकोया आर कोनीफर्स, करेक्ट. साइकस इज नॉट कोनीफर बेटा. ठीक है, डन 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 डन. चलो अब इसी के टॉलेस्ट इज सिकोया. विनीता ना, विनीता को सब पता यार. ठीक है, अंकिता को भी पता है. अंकिता कैसे पता रहता तुम सबको यार, मुझे नहीं आता, तुमको कैसे आता है, मैं शौक हो जाती हूँ कई बार. चलो देख लेते हैं रूट. अब देखो याद कर लो, टेरिडोफाइट से रूट सिस्टम शुरू हो गया, लेकिन टेरिडोफाइट का रूट कैसा था, एडवेंटिशियस. आई रिपीट, टेरिडोफाइट का रूट कैसा था, एडवेंटिशियस. जिम्नोस्पर्म का रूट कैसा है, सिंपल टैप रूट. अब ये देखो, ये है ना कॉमन सी चीज है जो आप अपने पास रखोगे और किसी को नहीं बताओगे, ये मैं आपको चुपके से बता रही हूं. ठीक है, किसी को नहीं बताना. ठीक है, क्या, जिसमें टैप रूट होगा
उसमें कैम्बियम होगा और सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगा और वो ट्री बनेगा। ठीक है, ये बात किसी को नहीं बताना, मेरे और आपके बीच की बात है। क्या बात बोली हमने? जिसमें टैप रूट होगा उसमें कैम्बियम होगा और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगा, वुडी स्टेम दिखेगा। ये क्लियर, सिंपल, क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो अब इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ एवरीवन एवरीवन एवरीवन, चलो ये नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलो कम से कम श्रुति ने तो बोल दिया, नहीं बताऊंगी। बाकी सब तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। मैं सोचू क्या हो रहा है ये। ठीक है, एवरीवन याद रखना, क्या बोला हमने? जिसमें टैप रूट होगा उसमें हमको क्या दिखेगा? तो जिसमें टैप रूट होगा उसमें कैम्बियम दिखेगा, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा और इनका स्टेम कैसा रहेगा? वुडी। सिंपल, चलो अब इसी के साथ मैं आ जाती हूँ यहाँ पर वापस टू स्टेम। हाँ, ये मैंने याद करने बोला था, कुछ लोगों को निमोनिक शायद याद है ना? क्रिस्टल क्लियर, कुछ लोगों को निमोनिक याद है, दैट इज साइकस में सी 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 और यहाँ पर पी एम। ये क्या है सी 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 और पी एम? ये फुल फॉर्म भी हम जल्दी बताएंगे आपको, राज खोल खोल के बताएंगे, बट फिलहाल के लिए वापस आइए। ठीक है, क्या हो गया, कौन डेड है? अच्छा, ए टू जेड ने पूछा है, मैम फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी, बेटा एरिस्टोटल, जिन्होंने प्लांट्स व्लांट्स पहली बार पढ़ा था, एरिस्टोटल। ठीक है, चलो कोई नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ एवरीवन। सी 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 पी एम, ठीक है। अरे बाप रे, कीर्तना, कीर्तना तुंगा, आई रिमेम्बर, आई गेस कीर्तना वॉज इन क्रैश कोर्स बैच ऑफ माइंड, है ना? जहां तक मुझे याद है, फिर मेरे को कुछ अभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार, इतने सारे बच्चे होते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाता है, बट आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर, बट आई रिमेम्बर थोड़ा सा, तो कीर्तना मुझे याद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कमिंग बैक, सिकोया लिविंग है, मैंने कहा डेड बोला बच्चा? सिकोया लिविंग होता है बेटा, जिंदा होता है, जिंदा होता है, करेक्ट है, जिंदा होता है। ठीक है, चलो, मैंने कब डेड लिखा? डेड लिखा क्या? नहीं नहीं, डेड नहीं लिखा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर हमने बोला इफ आई कंसिडर, इफ आई कंसिडर, ओके, हाँ, सी डी पी एम, ये सी डी क्या होता है? अच्छा, साइकस डायोशियस पाइन मोनोशियस, अरे बाप रे। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमने क्या याद किया? स्टेम ब्रांच होंगे, मतलब स्टेम को ऐसे ब्रांचेस होंगे, ठीक है, इतने सारे ब्रांचेस निकल आएंगे, तो ये होते हैं ब्रांच स्टेम, एग्जाम्पल आएगा पाइन एंड सेड्रस, और अनब्रांच होता है इन केस ऑफ साइकड्स, मतलब जितने भी साइकस वाले आएंगे वो। क्लियर, सिंपल, नेक्स्ट। फिर हमने बोला नेक्स्ट क्या आएगा? सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, कैम्बियम प्रेजेंट, ये तो मेरी खुफिया बात थी जो आपको बताई थी मैंने, किसी को बोलना नहीं है, ये सिर्फ आप ही के लिए। चलो नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट? तो हमने बोला लीव्स, लीव्स कैसे होंगे? नीडल लाइक लीव्स, मोटे मोटे वैक्सी क्यूटिकल, थिक वैक्सी क्यूटिकल विल बी सीन, एंड स्टोमेटा कैसा होगा? अंदर डूबा हुआ, जैसे वो बोलते हैं ना, तेरी आंखों में डूबना है मुझे, तो ये बेटा जो स्टोमेटा होता है वो लीफ को बोलते हैं, तेरे अंदर डूबना है मुझे, और डूब गया, संकन स्टोमेटा। क्यों? सरफेस पे होगा तो शायद ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या किया गया, स्टोमेटा को अंदर डुबाया गया, संकन स्टोमेटा। ठीक है, और गिंको के लीव्स कैसे होंगे? सिंपल लीव्स। अभी जिनको इनके, अच्छा इसके फोटो देखने नहीं देखने, इन सभी चीजों की तस्वीर देखनी है नहीं देखनी है, ये बताओ। संजना बोलती है मैंने नाम बदल दिया तो आप भूल गए। संजना बेटा असली नाम बता दो तो मुझे याद तो रहेगा, कैसे याद रहेगा? इसलिए स्टोमेटा वेरी फ्यू सांस लेता है। ठीक है ठीक है, हम तुझ में इतना डूब गए। ठीक है, देखने नहीं देखने, नहीं देखने, देखने देखने, दिखाओ। ठीक है, फिर दिखा लेते भाई, इतनी मेहनत की है उषा मैम ने, तो ऐसे ही जाया तो नहीं करेंगे। अच्छा, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव सेल तो होंगे, सीव सेल के साथ एल्ब्यूमिनस सेल भी होंगे, विच आर प्रीकर्सर्स या फिर यू कैन से एंसेस्टर्स ऑफ कंपेनियन सेल। ठीक है, चलो ये आ जाते हैं हम इमेजेस पे, और आ जा रहे, हाँ, ये कौन है? एकदम यू नो डीएसएलआर को एकदम
जूम करके एकदम क्लियर इमेज लिए। मतलब आज तो उषा मैम ने हद कर दिया, ओपी के भी ओपी ओपी ऊपर सुपर से भी ऊपर 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 वाले इमेजेस ढूंढ के रखे हमारे लिए। और ये क्या है? तो हमने बोला देखो ये है साइकस के रूट्स, ठीक है, ये क्या है, दीज आर रूट्स ऑफ साइकस, अदरक नहीं है अदरक बना दिया इसको, कोरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। और उसमें वो जो आपको ब्लूइश ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, आ हा हा, ऐसा लग रहा है मस्त आईलाइनर लगाया इसके आंखों पे, इसको मैं आंख बना दूं, ठीक है, फिर ये आईलैशेस, ठीक है, ये यहां पर, आ हा हा हा, ठीक है। तो जो मार्जिन था ना आंखों के आसपास की मार्जिन, ये होता है साइनोबैक्टीरिया, क्लियर, दिस इज साइनोबैक्टीरिया, दैट्स एल्गे। मूंगफली लगी थी ये देखो, दिस इज कोरलॉइड रूट, कोरलॉइड रूट बिकॉज दे आर शेपलेस या इरेग्युलर इन शेप। और नेक्स्ट चीज जो आप याद रखोगे वो ये था, तो हमने बोल दिया अरे बाप रे जिंजर लग रही है, किसी को मूंगफली लग रही है, पता नहीं क्या क्या लग रहा है, ठीक है ठीक है। नाउ कमिंग बैक, ये क्या है, ये है कोरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। बच्चा लोग ये बेचारे, मेरे को लगा सब खुश हो जाएंगे कि भाई मैम ने क्या मस्त इमेज बनाया है, और यहाँ तो बच्चा लोग बोल रहे कि नहीं, ठीक है, ये इसको क्या कर दिया, पाउडर नहीं लगाया, अरे बाप रे। तो ये है हमारे पास कोरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। इसमें हमने क्या याद किया, कोरोलॉइड रूट, अरे बाप रे ब्लैक पे ब्लैक कैसा दिखेगा रे, क्या बेवकूफ है तू भूमिका, ठीक है, कोरोलॉइड रूट साइकस साइनोबैक्टीरिया, सी सी सी, ये एमसीक्यूज में आता है, कोरोलॉइड रूट साइकस साइनोबैक्टीरिया, ये क्लियर, ठीक है, परफेक्ट ठीक है। जिन जिन को मूंगफली लगी थी बेटा, चश्मा लेंस काट, चलो नेक्स्ट। अब क्या आ गया, तो अरे वाह, ये होती है दोस्ती, ये होती है दोस्ती, ये देखो ये है हमारा पाइन, ये कौन है, ये है पाइन, ये पाइन के पास कौन है, पाइन के पास कौन है, ये है फंगाई। तो पाइन एंड फंगाई के बीच में, यहां देखो, जो दूर से दिखे वो मत देखो, जो नजदीक से दिखे वो देखो, क्या है, दोस्ती। रूट्स ऑफ पाइन विल हैव फ्रेंडशिप विद फंगाई एंड यू कॉल इट एज माइकोराइजा, माइकोराइजा दिखेगा हमको, माइकोराइजा, क्लियर, सिंपल। सो व्हाट डू यू सी इज माइकोराइजा, अरे बाप रे जा रहे, हाँ, माइकोराइजा ऑन पाइन रूट्स, सिंपल क्लियर। नेक्स्ट, दीपू पांडे बोलता है प्रोफाइल फोटो कैसा है बता दीजिए, ठीक है मैं बताऊंगी आपको, प्रोफाइल फोटो भी बताऊंगी, चलो अगैरिकसवा, ठीक है, ये अगैरिकसवा था, और अगैरिकसवा ने क्या किया, अगैरिकसवा ने पाइन के साथ क्या कर ला, दोस्ती। अब ये दोस्ती कर ला तब तक तो ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या जाएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये जाएगा कि पाइन के सीड जो होते ना वो माइकोराइजा के एब्सेंस में, अगर माइकोराइजा एब्सेंट है तो पाइन सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, जर्मिनेट वा ही नहीं होगा पाइन सीड, ठीक है, आई रिपीट, मतलब पाइन सीड जर्मिनेट कब करेगा, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, जॉय विथ मास्क, संजना अब याद आ गया, मेरे को याद आ गया, याद आ गया, दो तीन दिन से मैं आपको लगातार देख रही हूँ, क्लियर, सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एमसीक्यू छोड़ो, ये पीवाईक्यू है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। पाइन सीड्स सिर्फ तब जर्मिनेट करेंगे जब उनके आसपास माइकोराइजा होगा, जब तक माइकोराइजा नहीं होगा तब तक जर्मिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म है, करेक्ट, परफेक्ट। तो इसी के साथ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एक और बढ़िया सी इमेज देख लेते हैं। और ये इमेज क्या है, तो हमने बोला देखो आपके पास है दो लीफ, पहले मैं चले जाती हूँ ये पहली वाली लीफ की तरफ, ऊपर तो देखो, तो ऊपर तो देखो,
और क्या दिख रहा है ऊपर, ये पतले पतले सुई जैसे जीरो फिगर वाले लीव्स, इनको हम क्या बोलेंगे, नीडल लाइक लीव्स। किसके है ये, पाइन के। क्या काम करेगा, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगा। भाई पेन गिर गई है, ठीक है। क्या काम करेगा, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगा। तो इतना बड़ा सरफेस एरिया रखने के बदले इतना सा सरफेस एरिया होगा, सो लेस सरफेस एरिया, लेस ट्रांसपिरेशन एंड वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। इसके ऊपर मोटा सा वैक्स का लेयर होगा, फिस फिस फिस, ताकि क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन भी क्या हो, कम। एंड संकन होगा डीप इनसाइड, और इसी डीप संकन स्टोमेटा की वजह से ट्रांसपिरेशन होगा और भी कम। सिंपल। अब आ जाती हूं मैं वापस, और यहां देख, यहाँ यहाँ ये कौन है, ये है सिंपल लीफ, एकदम आसान सा सिंपल सा लीफ। किसका, गिंको का। एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है। और क्या है, तो हमने बोला ये बेहतरीन सा जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि गिंको के लीव्स में डाइकोटमस ब्रांचिंग दिखता है। मतलब हाँ विनीता, सही बोले हो, सही बोले हो, डाइकोटमस दिखता है ब्रांचिंग। डाइकोटमस ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, इसमें ना वेनेशन जो होता है, वेनेशन वो हमेशा दो में डिवाइड होगा, एक से दो, फिर इससे दो, फिर इससे दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, और ये दो। मतलब हर चीज दो 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 में डिवाइड होते जाएगी, डाइकोटमस। ठीक है प्रियांश जी, आप सच्ची बड़ा लेट आए हो, सच्ची मैं बता रही हूँ, आप ज्यादा नहीं से 1.5 आवर लेट आए हो 2 घंटे के क्लास में, क्या कर रहे हो यार। ठीक है, टू में डिवाइड, करेक्ट, सिंपल। और जो जो लोग लेट आए ना, मैं बता रही हूँ, वीडियो को लाइक करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, और अगर आपसे हो सके तो क्रैश कोर्स ले लीजिए, क्योंकि आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, सिंपल, परफेक्ट। चलो इसी के साथ, इसी के साथ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बाइफर्केट वेनेशन होगा, करेक्ट। नाउ कमिंग नेक्स्ट, ये क्या था, अरे जिगजैग, ये जिगजैग जिगजैग क्या है, अच्छा इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, चलो देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, लिविंग फॉसिल का दो एग्जाम्पल है गिंको एंड साइकस, ऑल्दो एनसीईआरटी में केवल गिंको दिया हुआ है, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, वो जो उपवास होता है ना, तो कुछ लोग होते हैं वो क्या खाते, साबुदाना, वो जो बड़ा, मतलब जिसमें साबुना और दाने जैसा कुछ होता है, साबुदाना, वो साबुदाना है ना, वो आपको टैपियोका से भी मिलता है, और वो आपको साइकस से भी मिलता है। साइकस से जो स्टार्च मिलता है ना, उस स्टार्च से साबुदाना बनाते हैं कुछ लोग, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा किसी ने तो पूछा, कौन था ये, रक्सर, रक्सर ने पूछा, लाइक नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम, बेटा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस बोल रहे हैं, हम इतने एफर्ट्स ले रहे हो तो कुछ तो लाइक कर लो, ठीक है, चलो कोई नहीं। नाउ कमिंग बैक, नहीं खाया जाता, बाप रे, ठीक है, चलो अब यहां से वापस आ जाओ। साबुदाना के बाद हमने क्या बोला, हमारे पास आएगा सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म सिकोया, वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इमेज बताई थी, देखो मैं फिर बता देती हूँ आपको, आ जा रे आ जाओ मेरे दिल भर आ जा, ये है सिकोया, ये वाला, ये वाला, इतना लंबा है ये सिकोया, भाई प्यार है मुझे तुमसे, तुमसे प्यार है, प्यार है। ये कितना पुराना है, तो हमने बोला सबसे पुराना सिकोया जो होता है वो 4.5 से 5 हजार साल पुराना होता है, और इनकी हाइट है बस ज्यादा नहीं 366 फीट, मेरी हाइट 6 फीट नहीं है, तुम रह चुके हो 366 फीट, काहे शर्म वरम आती है कि नहीं, हमको थोड़ी हाइट दे देते, क्या जात है तुम्हारा, चलो कोई नहीं, वापस आते हम। हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज रेडवुड ट्री, ये भी बात सही है बेटा आपकी, चलो नेक्स्ट। ठीक है, कैसे सोच के माई डिल्बर इज टू लॉन्ग, ठीक है, इससे तो बेटा गले भी ना मिले जाए, इतना लंबा होता है ये सिकोया, चलो कोई नहीं। वाइडेस्ट जिम्नोस्पर्म 125 फीट, टैक्सोडियम म्यूक्रोनाटम, इसको गलती से भी नहीं बोलना कि बेटा आ जा गले लग जा, क्यों, क्योंकि लग नहीं पाओगे भाई, 125 फीट का गर्थ है, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग नेक्स्ट, डैनियल इज लाइक आई एम 6 फीट, कॉम्प्लेन पीता है क्या, ठीक है चलो आ जाते हैं। इतनी उम्र आपको नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलती बेटा, चलो कोई नहीं। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे चिंटू, ये इतना चिंटू है ना कि इससे बड़ा तो भाई मेरे बाल है,
हमारे बाल इससे लंबे हैं, ऐसे तो मेरे बाल लंबे नहीं है बट फिर भी स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म से तो लंबे है, ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है जामिया, इसकी हाइट होती है, अरे कहाँ ही दिखेगा, पीला 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 पीला, 25 सेंटीमीटर, केवल 25 सेंटीमीटर की हाइट होती है जामिया पिग्मिया की, ठीक है ओके। देखो चिंटू चिंटू है ये, चिन्नू चिन्नू। अब यही से वापस आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट एंड व्हाट इज इट, तो हमने बोला जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है कुछ लोगों के लिए बट ठीक है कोई बात नहीं, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। याद क्या करोगे, हमारे पास है साइकस, और साइकस कैसा है, साइकस बोलो गिंको बोलो दोनों के दोनों मोनोइशियस। इसको जनरली मैं याद करवाती हूँ सीएम क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है साइकस कैसा है, तो साइकस है मोनोइशियस, मतलब एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे। और दूसरा होता है हमारे पास अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया भैया, गड़बड़ कर दी हमने, हमको रियलाइज हो गया, हमको रियलाइज हो गया, हमको रियलाइज हो गया, और ये हमको रियलाइज क्या हो गया, डायोशियस होता है ये, इसको सीढ़ी याद कर रहा था हमने, ठीक है। आई रिपीट, ठीक है, आई रिपीट। बच्चा लोग थोड़ा अच्छे से सुन लो, थोड़ा अच्छे से सुन लो, थोड़ा करेक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है। एंड व्हाट इज द करेक्शन, दैट इज साइकस इज डायोशियस, गिंको इज डायोशियस, सीढ़ी बोलते हैं हम इसको, मतलब मेल एंड फीमेल दो अलग अलग प्लांट पे होगा, क्लियर क्लियर क्लियर, आई रिपीट, ठीक है ठीक है। तो हमने बोल दिया सीडी बोलो, सीडी मतलब साइकस डायोशियस होगा, मेल एंड फीमेल दो अलग अलग प्लांट पे होगा। क्या हो रहा है यार, ये वैक्सीन सर चढ़ चुका है इतने दिनों में, सच्ची बता रही हूँ मैं। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, तो हमने बोला नेक्स्ट आएगा हाँ पाइन, पाइन होता है पीएम मोनोएशियस, पीएम के दो दो फायदे, क्या फायदे, तो हमने बोला देखो एक तो पाइन मोनोएशियस, दूसरा पाइन में माइकोराइजा, क्लियर सिंपल है ये, ठीक है। सो एवरीवन व्हाट आर वी रिमेम्बरिंग हियर, क्या याद किया हमने यहाँ पर, तो हमने बोला यहाँ पर हमने ये याद किया है कि भाई साइकस जो रहेगा वो डायोशियस होगा, पाइन जो रहेगा वो मोनोएशियस होगा, क्लियर सिंपल। हाँ कोवैक्सीन का असर है बच्चा, ठीक है ओके। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द पॉइंट, व्हाट डू वी रिमेम्बर हियर, तो हमने बोला यहाँ पर वी स्टार्ट विद दिस, ये देखो ये है हमारे पास स्पोरोफिल, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज स्पोरोफिल, कौन सा स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल। चलो इस इमेज को समझने से पहले कुछ और बताती हूँ तुमको, और वो ये था, इमेजिन एक है हमारे पास प्लांट, प्लांट के पास होंगे कोन, कोन को बोलोगे लैक्स या फिर आप बोलोगे स्ट्रॉबिलस, ठीक है। एक होगा मेल कोन और एक होगा फीमेल कोन, ये तो बड़ा आसान था, यस ठीक है क्लियर परफेक्ट। तो हमने बोल दिया भाई एक है मेल कोन और एक है फीमेल कोन, मेल कोन जो होगा उसमें होंगे स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरान माइक्रोस्पोरोफिल, और वही आपको फीमेल में भी दिख जाएगा लेकिन सिर्फ फर्क इतना होगा वहां होगा मेगास्पोरोफिल, ठीक है। फिर क्या होगा, तो हमने बोला माइक्रोस्पोरोफिल जो रहेगा उस पे माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, और मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम होगा। मेगास्पोरेंजियम को हमने एक नया नाम दे दिया, दैट इज ओव्यूल, ये क्लियर सिंपल। क्या नाम दिया हमने इसको, ओव्यूल, सिंपल। नेक्स्ट फिर हमने बोला व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो हमने बोला इसके बाद हमको ये दिखेगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। अच्छा जिसको यहां तक का स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो भाई, ये फटाफट अभी इरेज होने वाला है, क्लियर
सिंपल, ठीक है, डन, कर लूँ इसको इरेज। डन 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 डन, नोटेड एवरीवन। शांतनु इज लाइक आज पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है, ओके ओके ओके, डन 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 डन, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं उस इमेज पे। अब आपको क्या क्लियर हो गया, देखो मेल कोन है, फीमेल कोन है, मेल कोन के अंदर स्पाइरली अरेंज माइक्रोस्पोरोफिल, हर माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजियम, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या दिखेगा आपको, माइक्रोस्पोर। फीमेल कोन था, मेगास्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज थे, उसपे आपको दिख जाएंगे ओव्यूल जो होते हैं मेगास्पोरेंजियम, और इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, मेगास्पोर बन गया। अब ये देखो, ठीक है, और ये क्या दिख रहा है हमको भैया, ये है हमारे पास ये हमारे पास मेल कोन। मेल कोन पे क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हुआ, मियोसिस, और हमको क्या मिल गया, मेल स्पोर, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ने क्या किया, माइक्रोस्पोर ने किया माइटोसिस, और माइटोसिस करके इसमें बन गए दो सेल, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। अब ये पोलन ग्रेन उड़ते 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 उड़ते, मतलब विंड पॉलिनेशन, पहली बार जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन हो रहा है, और जिम्नोस्पर्म में कौन से पॉलिनेशन होंगे, केवल और केवल विंड पॉलिनेशन, और कोई भी पॉलिनेशन नहीं होगा, एनेमोफिली इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद जिम्नोस्पर्म। क्लियर, दिमाग में एकदम फिट कर लिया आपने, फिर क्या होगा, फिर ये पोलन ग्रेन बहती हवा सा था वो, ऐसा करते करते उड़ते उड़ते कहाँ चला गया, मेगास्पोरोफिल पे। मेगास्पोरोफिल में ये देखो, ये रहे हमारे ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम, और ओव्यूल के अंदर कौन था, अरे रसोड़े में कौन था, कौन था रसोड़े में, कौन था, तो हमने बोला ओव्यूल के अंदर था मेगास्पोर, और मेगास्पोर ने क्या बनाया, ये देखो देखो तो सही, पूरा पूरा एम्ब्रियो सैक, आर्चिगोनिया। कितने आर्चिगोनिया होंगे, तो हमने बोला कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 10, हर एक ओव्यूल के अंदर यू विल हैव 2 to 10 आर्चिगोनिया। सिंपल, क्लियर, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, हर एक आर्चिगोनिया में कम से कम एक तो एग सेल, कम से कम नहीं, केवल एक एग सेल होगा, ओनली वन एग सेल इज प्रेजेंट इन साइड इच एंड एवरी आर्चिगोनिया। क्लियर, सिंपल, हुआ क्या, तो ये बहती हवा सा था वो, अरे डांस भी नहीं आता है, अच्छे से करो, अच्छे से करो ना, हाँ बहती हवा सा था वो, ऐसे करके करके बह गया, कौन बह गया, तो हमने बोला पोलन ग्रीन, और बहते बहते हवा के साथ, बहते बहते हवा के साथ पॉलिनेशन करते करते आ जाता है ओव्यूल पे, ओव्यूल के माइक्रोपाइल पे आके ऐसा बैठ गया पिचुक, फिर उसका पोलन ट्यूब बढ़ा पिस, और कहाँ चला गया, आर्चिगोनिया के पास, और आर्चिगोनिया के टिप पे जाके रुक गया। एग है क्या, एग एग है क्या, है क्या घर पे, है क्या एग है क्या, तो अब पोलन ग्रेन वहीं पे अपना मेल गैमेट रिलीज करता है, और अंदर मेल गैमेट चला गया और एग के साथ फ्यूज हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ठीक है, तो हमने बोला अब व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, मेल गैमेट और एग का हो गया है मिलन, और इस मिलन के होने से पहले, रिवाइंड करो रिवाइंड करो रिवाइंड करो, जब पोलन ग्रेन आके बैठा था पिचुक, उसी टाइम पे क्या हुआ, तो हमने बोला उसी टाइम जब पोलन ग्रेन आके बैठा था ओव्यूल पे, और ओव्यूल में क्या था, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के अंदर कौन था, कौन था, कौन था, कौन था, तो हमने बोला एग सेल। उसी टाइम पे, उसी टाइम पे आसपास के कुछ सेल्स थे जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट सेल्स, फीमेल गैमेटोफाइट सेल्स, और ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या किया, डिवीजन 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 डिवीजन, इतना डिवीजन किया कि ये क्या बन गया, हलवाई, खाना बनाने लग गया, एंडोस्पर्म। इसलिए इनका एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड। फिर ये मेल गैमेट के पास था, आई मीन पोलन ग्रेन के पास था मेल गैमेट, और ये पोलन ग्रेन ऐसा बड़ा
और यहाँ मेल गैमेट को रिलीज कर दिया। अब एग और मेल गैमेट का हुआ है मिलन और क्या बन गया? तो हमने बोला एग हैप्लॉयड, मेल गैमेट हैप्लॉयड, बन गया जाइगोट विच इज डिप्लॉयड। जाइगोट ने बोला मम्मी खाना दो खाना दो, तो एंडोस्पर्म रेडी था एज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर जाइगोट। ये क्लियर? यहां तक समझा है एवरीवन? यस और नो? क्लियर एवरीवन? दिस मच इज क्लियर? परफेक्ट? एनी डाउट्स? ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, डन, ओके ओके ओके। राम राम कमलेश जी, कैसे हो आप? क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट, ओके जी। अब इसी के साथ इसका अगर आपको इमेज चाहिए तो ये भी ले लो, जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगी ये गायब हो जाएगा। ये मतलब जादू लेके बैठा है, मैं चेंज करती हूँ ये गायब होता है, मैं चेंज करती हूँ गायब होता है, मैं चेंज करती हूँ ये गायब होता है। ठीक है, ओके, डन 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 डन, ओके। प्रियल वेलकम टू द सेशन बेटा, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चा, ओके परफेक्ट। अच्छा वैष्णवी स्टिल नोटिंग डाउन, वैष्णवी टेक अ स्क्रीनशॉट, दैट विल आल्सो वर्क, क्योंकि जैसे मेरी हैंडराइटिंग है ना और जैसा मेरा ड्राइंग है किसी को दिखाने लायक है नहीं, बट ठीक है अब क्या ही करें। ठीक है श्रुति, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म बच्चा, नॉट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिन्होंने लिखा है मोहम्मद मेहराज जी, डिप्लॉइड नहीं होता एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म का। मैंने एन लिखा है, देखो अच्छे से, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये क्लियर? नो नो वैष्णवी नायर, इट वाज नॉट फॉर यू बच्चा। ठीक है, ओके, चलो 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 चलो। इसी के साथ सब लोग लाइक कर दो, देखो मानसी ने बोला है सब लोग लाइक कर दो, इस बार तो मैंने नहीं बोला है, मानसी हमारी पब्लिसिटी कर रही है, थैंक यू मानसी। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? तो हमने बोला फिर बनेगा जायगोट। अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको, सीड कोट है, एम्ब्रियो है, और यही एम्ब्रियो आगे जाके क्या बन गया? सीड। सिंपल क्लियर? नेक्स्ट, ठीक नाउ, ठीक, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, यही से हम शुरू कर रहे हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज क्या आएगा इसके बाद? ये देखो, अभी आइडेंटिफाई करो ए कौन है और बी कौन है, जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करो ए कौन है और बी कौन है। ठीक है, विथ स्ट्रक्चर इज ए एंड विथ स्ट्रक्चर इज बी, ये आइडेंटिफाई करो फटाफट। अरे जिम्नोस्पर्म तो है, ये तो मुझे भी पता है बेटा, जिम्नोस्पर्म का कौन सा पार्ट है ए और बी, ये क्वेश्चन था। अरे ये शांतनु पढ़ाई कर रहा है, मिसिंग मिसिंग ढूंढ रहा है। बी इज साइकस? नो बी इज नॉट साइकस। अरे आई एम नॉट आस्किंग बेटा कौन सा प्लांट, आई एम आस्किंग विच ऑर्गन इज दिस विनीता, करेक्ट आंसर। बाकी लोग समझा ही नहीं मैं क्या पूछ रही हूं। रस्टी वाह, हम कैसे बोलेंगे आपको शांतनु, किस में मिसिंग बता रहे हो आप शांतनु, किस में मिसिंग है? आप भोले हो वो तो ठीक है, बट किस में मिसिंग है, क्या मिसिंग है वो तो बता दो। मिस्टर पिकाचू आप नीड क्लियर कर सकते हो, अगर आप 2 महीने एकदम ताबड़तोड़ एकदम तबला तोड़ एकदम स्टेज पे आग लगाने देने वाला पढ़ाई करो तो। ए कौन, बी सीड, ओहो कौन से? अच्छा मेरे लेक्चर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी मिसिंग है,
हाँ वैष्णवी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट 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 करेक्ट. स्क्रीनशॉट कभी खुलता नहीं है. अच्छा मेरा जी, आपका आंसर शायद नहीं देखा मैंने, आई एम सो सॉरी. ठीक है, नाउ कमिंग बैक. और हमने क्या बोला, यहां पर ए इज फीमेल कौन, बी इज मेल कौन, और जिन्होंने बी को साइकस बोला था, बच्चा लोग, ये नीडल लाइक लीव्स है, ये होता है पाइन का लीव, और ये होता है, ये भी होता है पाइन का, सॉरी ये पीछे दिखेगा, ये पीछे तक देखा, ये होता है पाइन का लीव, पाइन का लीव, पाइन का लीव, पाइन का लीव. ये क्लियर, सिंपल. अरे सोनम्बा, वापस आओ, वापस आओ सोनम्बा, आपका स्वागत कर रहे हैं, वापस आओ. चलो एवरीवन, ठीक है ठीक है, चलो इसी के साथ वी कम बैक. ठीक है चलो, अब इसी के साथ वी कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट. एंड व्हाट इज इट? तो हमने बोला भैया एक मिनट, फिर से मैं दिखाऊंगी, फिर से दिखाऊंगी आपको. 3 2 1 लेट्स सी. ये है मजेदार, एकदम जबरदस्त. देखो ये देख लो, जी भर के देख लो भाई, इतना खूबसूरत है ये दुनिया, खूबसूरत से भरा है, खूबसूरत चीजों से भरी है दुनिया. ये नेचर, नेचर इज ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एकदम जबरदस्त नेचर है ये. देखो देखो देखो, ठीक है देखा, वापस आओ अभी. अरे इतना खूबसूरत दिख गया, मेरे को वापस ही नहीं बुला रहे, दिल गार्डन गार्डन हो गया. ठीक है, अब मैं वापस आऊँ कि नहीं आऊँ, कि मैं इधर ही घूमने चले जाऊँ? प्रिया ने भी करेक्ट आंसर दिया था, आ जाऊँ आ जाऊँ. माउंट फूजी, ठीक है चलो, मेरे को फाइनली किसी ने वापस बुला लिया, एंड यस आई एम हैप्पी, मेरे को वापस तो बुलाया. चलो इसी के साथ देखो, इतनी खूबसूरत सी जगह होती है ना, मतलब ये सब जगह देखे ना, मेरे को लगता है बस ये YouTube टीचिंग सब छोड़ के ना, मैंने एक ट्रेकर बनना है, बस फ्री, मतलब बस दुनिया के हर माउंटेन को चढ़ना है, ट्रेकिंग करना है, पूरा इंडिया चल के घूमना है मेरे को, पूरा इंडिया चल के घूमना है, बस ऐसा 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 मन करता है मेरे को. बट क्या है ना, पूरा इंडिया चल के घूमने में भूख लगेगी, खाना खाना पड़ेगा, पर खाने के लिए पैसा चाहिए, क्या करें. ठीक है चलो कोई नहीं, वापस आते हम. नेचर इज लव एंड लविंग नेचर इज सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं हर साल एटलीस्ट एक ट्रिप करती हूँ जहां मैं बस नेचर के गोद में जाके सो सकूँ. ठीक है चलो, इसी के साथ वी कम बैक. एंड कुछ सपने अधूरे रह जाते, जैसे कि पूरा दिन बस घूमना, ये सपने अधूरे रह गए, बट ठीक है कोई नहीं. चलो वापस आ जाते हैं एंजियोस्पर्म पे, इतना खूबसूरत है सब तो देख ही लेते हैं. एंजियोस्पर्म में क्या दिखेगा? एंजियोस्पर्म में हमको दिखेंगे खूबसूरत खूबसूरत से फूल, चाहे वो गुलाब हो चाहे वो सनफ्लावर हो, हमको तो कोई देता ही नहीं है. चलो कोई नहीं, बट फ्लावर्स आर ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है चांदनू बोलता है डांट मिसिंग है डांटो. नहीं शांतनु, आज आपने चुपचाप से पढ़ाई कर ली है, तो आज मैंने आपको नहीं डांटना है, और आज आप मॉनिटर गिरी भी नहीं की हो. चलो एवरीवन कम बैक कम बैक कम बैक. नेचर इज एट बेस्ट ब्यूटी, एंड इसी नेचर के बेस्ट ब्यूटी के साथ व्हाट डू वी सी? तो हमने बोला वी सी दिस, एंड व्हाट इज इट? फ्लावर्स जो होते हैं ना, इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल होते हैं. अच्छा एनीवन कैन गेस, इसमें से ए बी और सी में से कौन किसका फूल है? किसी को भी पता है कौन किसका फूल है? मतलब ए जो है वो जब फ्रूट बनेगा तो क्या बनेगा, बी जब फ्रूट बनेगा तो क्या बनेगा, सी जब फ्रूट बनेगा तो क्या बनेगा? ठीक है, रसमलाई ने बोला है टाटा और सबके लिए रसमलाई छोड़ के गया, खाली 5 कप छोड़ा है बेटा, हम 200 से ज्यादा लोग थे. ए इज पोमोग्रेनेट, करेक्ट. बी इज नॉट ऑर्किड, बी इज नॉट ऑर्किड, ए इज पोमोग्रेनेट. करेक्ट एलियना, ओके. लाल लाल अनार का, ए इज पोमोग्रेनेट फॉर श्योर. कुमुदनू, ये क्या होता है बेटा ये तो बता दो. ए अनार है. पता नहीं, नॉट इंटरेस्टेड. देखो लिली तो नहीं है, लिली नहीं है. बी इज पपैया, अल्टीमेट साइंस एंड म्यूजिक. करेक्ट है, बी इज पपैया. तो ए आपने बता दिया मुझे अनार है, तो मैंने अनार बना दिया. बी आपने मुझे बता दिया पपाया. सी बचा है, सी 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 सी.
सी नींबू का है क्या? सी इज नॉट नींबू, सी थोड़ा आई कैन से ठंडी वाली जगह पे मिलने वाला फ्रूट है। नो इट्स नॉट ऑर्किड, इट्स नॉट ऑर्किड, भगवान जाने। अच्छा ये फ्लावर है, यही बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, ब्रिंजल तो नहीं है। ब्रिंजल कौन सा मिलता है रे ठंडी वाली जगह पे? ये दादम तो नहीं है, दादम क्या होता है? अच्छा दाड़म, ठीक है। जलकुंभी नहीं, हिंट दू, एप्पल नहीं है, एप्पल के जैसा है और फॉल्स फ्रूट होता है। नहीं ठीक है चलो मैं बता देती हूँ, पपीता बोलता है, बी पपीता। ये देखो ये रोज लग रहा था चाइना रोज नहीं है बेटा, वो पैर होता है, वो पैर, पैर आलू बुखारा, आलू बुखारा, आलू को क्यों बुखार आएगा? दिस इज पैर। हाँ वनस्पति भी बोलते हैं इसको, नाशपति भी बोलते हैं। ठीक है चलो कोई नहीं, एटलीस्ट हमको कुछ तो पता चला है ना। चलो कैशू, कैशू कौन बोला? ठंडी जगह पे कैशू होता है, गोवा में कैशू होता है, गर्मी वाले जगह पे कोस्टल एरिया में। चलो वापस आ जाओ, तो हमने क्या बोला? देखो फ्लावर्स आर रिप्रोडक्शन के यूनिट, फ्लावर से फ्रूट बनेगा और फ्रूट के अंदर सॉरी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल थे वो ओव्यूल से सीड बनेगा। सीड क्योंकि फ्रूट के अंदर था, सीड्स आर एनक्लोज, इसीलिए इसको बोला एंजियोस्पर्म, दे आर फेनेरोगैम्स विथ ओवरी। ये क्लियर सिंपल? ठीक है हाँ, वो जामफड़, जामफड़ नहीं है वो, जामफड़ अमरूद होता है। देखो एंजियोस्पर्म को हमने क्या बोल दिया? एंजियोस्पर्म मतलब सीड। अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैं व्हाइट पे व्हाइट लिख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं दिख रहा है। एंजियो का मतलब होता है कवरिंग, सीड का मतलब होता है स्पर्मा, एंजियोस्पर्मा मतलब इसके सीड कवर्ड होंगे। अभी अभी इस फ्रूट की सीजन गई है लेकिन फिर भी इसको देख के ऐसा हमेशा मन ललचा जाता है, लप लपा गए हम। और ये है हमारा मैंगो, मैंगो के बाद में ये हमारा मस्क मेलन और ऊपर एवोकैडो। सब में आपको क्या दिखेगा? कैमोफ्लाज हो गया। सब में आपको क्या दिखेगा कि सीड के आसपास ढेर सारा फ्लैश होता है, फ्रूट होता है, और इसलिए हमने बोल दिया भाई सीड इज कवर्ड, कवरिंग होता है सीड को, और हमने इसको क्या बोल दिया? हमने इसको बोल दिया एंजियोस्पर्मे। क्लियर? बहुत खा लिए आम, देखो ठीक है चलो आम तो खा लिया हमने, अब आ जाओ यहाँ पर। एंड व्हाट डू वी सी हियर? मोनोकॉट इज फर्दर डिवाइडेड, सॉरी एंजियोस्पर्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन कितने कॉटिलेडॉन है। जैसे ये देखो, अगर इसके पास केवल एक ही कॉटिलेडॉन है तो इसको बोलोगे मोनोकॉट, और इसके पास एक ठो और दुई ठो, दो दो कॉटिलेडॉन है तो इसको बोलोगे डाइकॉट। एक और चीज याद रख सकते थे, मोनोकॉट में क्योंकि एक ही कॉटिलेडॉन है, इसके कॉटिलेडॉन को आप बोलते हो स्क्यूटेलम। ठीक है सिंपल क्लियर? नेक्स्ट, फिर हमने क्या बोला? तो हमने बोला आजा बेटा थोड़ा तो बदल जा। मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट्स भी अलग होते हैं। जैसे ये वाला, ये जो रूट है ये रेडिकल से आता है, और ये जो आता है ये स्टेम के नोड्स में से आता है। तो जो रेडिकल से आता है उसको आप बोलते हो टैप रूट, जो डाइकॉट में दिखेगा। जो स्टेम के लोअर नोड में से आता है उसको आप बोलते हो फाइबरस रूट, जो मोनोकॉट में दिखेगा। क्लियर? ठीक है सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला भैया इतनी बातें कर रहे हो मेरे को समझ ही नहीं रहा है, मैं डांट दूंगी अब तो सबको, वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ। मोनोकॉट के स्टेम देखो कैसे होते हैं, हमने बोला खोखला है तू खोखला, किसको बोला? मोनोकॉट के स्टेम को। क्यों? ये देखो ना होल होते हैं ना मोनोकॉट के स्टेम में, इसके नोड भरे होते हैं, इंटरनोड खाली होते हैं, ऐसे स्टेम को हम बोलते हैं कल्म, कल्म। और डाइकॉट के स्टेम देखो ये मेरे बाजू में सब मस्त कड़क स्ट्रॉन्ग एकदम। ठीक है नेक्स्ट, फिर हमने बोला ये देखो शांतनु तो रो रहा है, बस डांट ही दो डांट ही दो। अब शांतनु आपने बोला तो आपने इतना बोला डांटो डांटो डांटो, मैं बैम्बू से मारने वाली थी लेकिन बैम्बू भाग गया, अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, बैम्बू भाग गया, मैं किसी और को लेके आती हूँ। 3 2 1 आ जाओ। और क्या आ गया? अरे बाप रे ये तो बनाना आ गया, फॉल्स स्टेम। जमीन के ऊपर आपको जो स्टेम दिखता है ना वो स्टेम होता है नहीं, वो पत्ते 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 होते हैं, दे आर फॉल्स स्टेम, नकली स्टेम होता है। जमीन के नीचे ओरिजिनल स्टेम होता है जिसको हम बोलते हैं सक्कर एंड राइजोम। ठीक है नेक्स्ट, केला जा, केला गया और कौन आया? कांदा आया। अरे वाह, केला गया कांदा गया, केला गया कांदा गया। अच्छा अभी कांदा क्या है? तो हमने बोला कांदे में भी स्टेम दिखेगा,
और ये है कांदे का स्टेम जो है रिड्यूस डिस्क, डिस्कॉइड स्टेम होता है, डिस्कॉइड। ये क्लियर, परफेक्ट। पेड़ से मार शांतनु को पेड़ से मार तो दूं बेटा, बट मैं कौन सी हल्कू, मैं कैसे पेड़ को उठाऊंगी ये तो सोचो। चलो कोई नहीं कोई नहीं शांतनु, अब आ जाओ ये देखो ये क्या था। अरे फिर वही मोनोकॉट डाइकॉट लेके बैठ गए विनेशन। क्या दिखा, डाइकॉट है बस सीधा साधा मेरी तरह, मोनोकॉट में सॉरी डाइकॉट मोनोकॉट मोनोकॉट, मैं मोनोकॉट जैसी, मैं मोनोकॉट जैसी, सॉरी डाइकॉट मोनोकॉट है मैं सीधा साधा मेरी तरह। और क्या है, तो हमने बोला मैं अकेला तू, पैरेलल विनेशन रख ले, एकदम पैरेलल लाइंस दिखेंगे, एकदम सीधा साधा, कोई झंझट ही नहीं, पैरेलल विनेशन। और डाइकॉट किसके जैसा, शांतनु जैसा, इतने नेटवर्क्स है इसके, इतने नेटवर्क्स है भाई, जहां देखो वहां ये मेरा दोस्त, वो मेरा दोस्त, वो मेरा चचा, ये वो, इतना नेटवर्क भरा पड़ा है। रेटिक्यूलेट वेनेशन है ना, तो डाइकॉट में क्या दिखेगा, रेटिक्यूलेट नेटवर्क दिखेगा वेन्स का, और मोनोकॉट में क्या दिखेगा, सीधे सीधे लाइंस, किसी से कोई कनेक्शन नहीं, पैरेलल वेनेशन, सिंपल। नेक्स्ट फिर हमने बोला हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, नाउ नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट, करेक्ट, नाउ कमिंग नेक्स्ट। अब देखो हमने क्या बोल दिया, व्हाट कम्स नेक्स्ट टू अस, तो हमने बोला अब आएगा हमारे पास क्या आएगा, तो हमने बोला फ्लावर। मोनोकॉट में तीन के अरेंजमेंट में होते, देखो इतने खूबसूरत से फूल है, लेकिन अरेंजमेंट देखो वन, अरे लाल पे लाल नहीं दिखेगा, बेरंग सा है, वन टू थ्री ट्राइमेरस, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, टोटल नाइन है लेकिन तीन तीन के जोड़ी में ट्राइमेरस, ये क्लियर। फिर हमने बोला नेक्स्ट, बट अगर आप डाइकॉट बोलो तो डाइकॉट में क्या दिखेगा, ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव, यहां पर भी वन टू थ्री फोर फाइव, मेरे को लग रहा है मैं पीटी के क्लास ले रही हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अच्छा ठीक है चलो, ये होते हैं हमारे पेंटामेरस फ्लावर। लेकिन डाइकॉट के कुछ फैमिलीज होते हैं जैसे ब्रासिका फैमिली, ब्रासिका फैमिली में आपको क्या दिखेगा, टेट्रामेरस, टेट्रामेरस, ये ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, डैनियल इज लाइक आई हेट पीटी। अब हमने बोल दिया ये देख लो, ओपन वैस्कुलर बंडल एंड क्लोज, अब सोच के बताओ ओपन किस में दिखेगा और क्लोज किस में दिखेगा। आई रिपीट, ओपन इज ए क्लोज इज बी, अब सोचो वेयर विल यू सी मोनोकॉट एंड वेयर विल यू सी डाइकॉट, पीटी नहीं, ठीक है पीटी नहीं, रस्टी इज फ्रॉम मुंबई, आई रिमेम्बर रस्टी, रस्टी को कैसे भूलेंगे हम, रस्टी वापस आओ, ठीक है। अरे टैप रूट नहीं बचा, मोनोकॉट या डाइकॉट ये बताओ, ए अगर वो ओपन वैस्कुलर बंडल है, बी अगर क्लोज वैस्कुलर बंडल है, ए इज मोनोकॉट और डाइकॉट, ए इज मोनोकॉट, अच्छा ठीक है शांतनु समझ गया कि मैंने डाटा है ठीक है, ए इज मोनोकॉट बी इज डाइकॉट, एवरीवन अग्रीज, कुछ लोगों ने बोला बी इज मोनोकॉट, यासीन मोहम्मद यासीन, हाँ ओ दीपाली बेन एकदम करेक्ट बोलू छे, तमे तमने तो हूँ चौक्स थेपला आप इस गिफ्ट में, अच्छा परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो जिन्होंने बोला ओपन इज डाइकॉट और क्लोज्ड इज मोनोकॉट, बेटा आपने ना ये जवाब का एकदम सही जवाब दिया है, और आप इस चैप्टर से नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ए कौन है, ए है डाइकॉट, बी है मोनोकॉट, डाइकॉट में ओपन वैस्कुलर बंडल होगा तभी तो उसमें टैप रूट होगा, तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। और बी जो होता है वो है मोनोकॉट, क्योंकि उसमें है क्लोज वैस्कुलर बंडल, मतलब कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम नहीं है तो टैप रूट नहीं दिखेगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे। खांडवी आपू ठीक छे, चलो तमने खांडवी अने पात्रा बे पार्सल करीस, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, ये देखो ये है इनका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ये देखो हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट था, स्टेमेन
स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, क्लियर? करेक्ट, कैम्बियम एब्सेंट फॉर क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। डन, सिंपल, ये क्लियर हुआ है सबको? करेक्ट करेक्ट डॉक्टर एलियना, एब्सोल्युटली यस। देखो ये वैष्णवी को मैंने थोड़ा एक बोला, मतलब मैं भेज रही हूँ दीपाली को, वो बराबर है, लेकिन वैष्णवी ने साथ में जलेबी फाफड़ा भी बोला। सब कुछ मैं तुमको दूंगी, मेरे को कुछ तो खाने दे दो, मेरे को पिज्जा भेज दो फिर। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ओके, नाउ कमिंग बैक, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो हमने बोला एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल, ये देखो दिस इज लाइफ साइकिल। फ्लावर है, फ्लावर में एंथर होगा, एंड्रोशम का पार्ट है, स्टेमेन का पार्ट है। एंथर विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर विच इज पोलन ग्रेन, फिर पोलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा पे। अभी स्टिग्मा में क्या याद रखोगे? स्टिग्मा के नीचे स्टाइल, स्टाइल के नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या रहेगा? मेगास्पोर। वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन होगा? एग सेल। क्लियर? ठीक है, ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट। अच्छा, जॉय विथ मास्क, बेटा लास्ट पार्ट है ये, इससे आगे कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी एट ऑल। अब देखो ये पोलन ग्रेन जो है वो सेटल हो गया और बन रहा है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के पास थे दो मेल गैमेट, और ये दो मेल गैमेट के साथ क्या होगा ये भी देख लो। सी, ये हमारे पास था ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में ये हमारा बीच में है एग सेल, और एग के बाजू में दो दो सालियां, सिनर्जिड। ठीक है, एंड कमिंग नेक्स्ट, व्हाट डू वी सी हियर? सी हियर, जब जब पोलन ग्रेन ने दो मेल गैमेट को भेजा, तो दो मेल गैमेट में से फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज विद एग एंड सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज विद पोलार न्यूक्लियाई। सो फर्स्ट मेल गैमेट, स्पर्म न्यूक्लियाई मतलब मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज विद एग एंड सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज विद पोलार न्यूक्लियाई। सो व्हाट विल हैपन? एग प्लस मेल गैमेट विल प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट, पोलार न्यूक्लियाई मतलब 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल n विल प्रोड्यूस एंडोस्पर्म विच इज 3n। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ये क्लियर? ये क्लियर? सिंपल, हाँ। शांतनु, सिनर्जिड पे नजर नहीं डालना, मैं बता रही हूं। फ्लाइंग चप्पल, सैंडल, सब कुछ आएगा। चलो एवरी वन, यहां तक क्लियर हुआ है? सो वॉट डू वी रिमेंबर? एंजियोस्पर्म विल शो कैरेक्टरिस्टिकली, कैरेक्टरिस्टिकली एंजियोस्पर्म में क्या दिखेगा? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरीली सीन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया क्यों ना हो, चाहे वो टॉलेस्ट यूकेलिप्टस क्यों ना हो, सब में कंपल्सरीली विदाउट फेल डबल फर्टिलाइजेशन दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। क्लियर? सिंपल, आ आ आ। महराज जी, महराज जी, महराज जी, गड़बड़ किए हो आप लिखने में, गड़बड़ किए हो लिखने में बेटा। आपने बोला डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन गिव्स राइज टू 7 celled 8 nucleated स्ट्रक्चर। नो नो नो, मेगास्पोर विल फॉर्म एम्ब्रियो सैक विच इज 7 celled 8 nucleated स्ट्रक्चर विच विल देन रिजल्ट इन टू डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्लियर? सिंपल। Is angiosperm root advantageous? Is fibrous root advantageous? The answer is yes. Clear? ठीक है, ओके। चलो अब इसी के साथ, इसी के साथ, इसी के साथ ये हमारा लास्ट अनाउंसमेंट है, एंड द लास्ट अनाउंसमेंट इज ऑल अबाउट क्रैश कोर्स। तो नीट 2021 का क्रैश कोर्स है, जिसका फीस है 10,000 रुपीज एंड यू कैन गेट इट एट 6,000। उसके लिए आपको क्या करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, लिंक पे जाइए, क्लिक कर लीजिए, अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करवाइए एंड योर कूपन कोड विल बी BMCC। सिंपल, क्लियर? BMCC कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। 120 सेशंस होंगे, जहां इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको नीट का सिलेबस कवर करवाएंगे। 8 AM टू 11 PM तक आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, हमारे डाउट एक्सपर्ट्स हमेशा आपको डाउट का आंसर देंगे। आपके पास 10 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे। ये अलग से टेस्ट सीरीज लेना है तो आप अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो तो क्रैश कोर्स के साथ ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी।
नेक्स्ट, अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आप नीट को क्रैक कर पाओगे. एंड यस, वेदांतु का लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म इज अ टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म. सो बच्चा लोग, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल योर सेल्फ फॉर द क्रैश कोर्स. एंड वेन एवर यू एनरोल, रिमेंबर द कूपन कोड दैट यू विल यूज इज BMCC. ये क्लियर? सिंपल. अच्छा, फॉर ऑल दोस हु आर गिविंग नीट 2023, उनके लिए मेरा प्रो बैच आ रहा है नजदीक, जल्दी शुरू होने वाला है प्रो बैचेस. सो इफ यू वांट टू गो फॉर प्रो बैचेस आल्सो, यू कैन स्टार्ट फॉर दैट. आई रिपीट, यू कैन सी माय प्रो बैचेस आल्सो. आपको मेरा फोटो, मेरा नाम दिखेगा कि आई एम गोइंग टू टीच यू बॉटनी इन दैट बैच. क्लियर? और अगर आप वो कोड, उस कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सो फॉर प्रो सब्सक्रिप्शन योर कूपन कोड विल बी BM PRO. ये आपका कूपन कोड रहेगा, ठीक है? तो जितना मजा हम यहाँ YouTube पे कर रहे हैं, उतना ही मजा हम वहां वेव के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, मे बी उससे ज्यादा. BM Pro यूज करना मत भूलना, ठीक है? चलो, एवरीवन 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 एवरीवन, थैंक यू उषा मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके जो स्लाइड्स थे वो बड़े ही बेहतरीन थे. वी एंजॉयड अ लॉट स्टडिंग फ्रॉम दीज स्लाइड्स. एंड बच्चा लोग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी. Till then, stay tuned. Tata everyone, bye bye. ठीक है शांतनु, जल्दी जल्दी. बाय बाय बाय, आओ जो आओ जो. थैंक यू श्रुति फॉर कमिंग. Thank you everyone for coming. Tata, bye bye. Thank you. And see you all tomorrow. Do not miss tomorrow's session. मैं बता रही हूँ, कल का session बिल्कुल भी miss नहीं करना है. आज quiz नहीं था विनीता, starting में quiz लिया ना.